गुड इवनिंग दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिहार एसएससी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हुए हैं, ठीक है। पेड़ के नीचे बकरियां चर रही है, ठीक है। उनके सिरों के कुल संख्या 35 है। सिर कितने हैं? 35, मतलब टोटल 35 हैं तोते प्लस बकरी मिलाकर। 35 इक्वल टू तोता प्लस बकरी। तथा पैरों की कुल संख्या 90 है। अब देखिए तो पूछ कर रहा है तोतों की कुल संख्या क्या है। देखिए हमें नहीं पता है कि तोते कितने हैं बकरी कितनी है, लेकिन हमें ये पता है कि तोते के दो पैर होते हैं और बकरी के चार पैर। अगर हम मानेंगे कि 35 जो है वो 35 तोते ही हैं वहाँ पे, तो कितने पैर हो जाएंगे? 70 हो जाएंगे, 35 दुना 70। अगर हम ये माने कि नीचे तोते हैं ही नहीं पेड़ पे, सिर्फ बकरियाँ चल रही हैं, तो टोटल कितने पैर हो जाएंगे? 35 गुना 4 यानी 140, ठीक है। लेकिन हैं कितने? 90। इसको बोलते हैं एलिगेशन विधि। इसको घटाइए, 90 में से 70 जाएगा 20 बचेगा। अब इसको घटाइए, 140 में से 90 जाएगा 50 बचेगा। रेशियो क्या आया? 5:2। ये था तोता, ये बकरी था, ठीक है। मतलब 5 तोते हैं और 2 बकरी हैं। सिरों की कुल संख्या 35 है, मतलब 5 2 7 जो है वो 35 है। 35 जो है वो 7 के बराबर है। पूछ कर रहा है तोतों की कुल संख्या, तोते कितने थे? 5 थे, तो 7 बचे 35, 5 गुना 5 25। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में कौन सा अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम, अवरोही क्रम होता है घटता हुआ, घटता हुआ संख्या। देखिए सबसे आसान विधि क्या है? सबसे आसान विधि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप क्रॉस करो दो में, जिसका अंश अधिक आएगा वो बड़ा नंबर होगा। तो चलिए क्रॉस करते हैं, 20 चौके 80, 11 पचे 55। अब इसको क्रॉस कीजिए, 25 गुना 11, 25 गुना 11 कितना आता है? 25 गुना 11 आपका आता है 275। 275 अब आपको लग रहा होगा ये बड़ा हो गया ये सबसे, नहीं, आपको इसके मुकाबले ये बड़ा है, ना कि टोटल में ये बड़ा अभी मान लिया जाएगा। अभी हम ये नहीं कर सकते, ये बस इसके मुकाबले बड़ा है। तो 25 गुना 11 275, 20 गुना 22, 22 दुना 44 हो जाएगा। मतलब अभी ये बड़ा है, ये बड़ा था, ये बड़ा है, ये छोटा है बीच में। देखिए ये था इससे बड़ा था, ठीक है, और ये जो है इससे छोटा है, ठीक है। तो यहाँ से अवरोही क्रम है क्या? ये छोटा होना चाहिए, ये इससे छोटा होना चाहिए, ये इससे छोटा होना चाहिए, लेकिन ये इससे बड़ा है, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, 20 गुना 11 220, 15 गुना 11 165। अब 11 25 55, ये तो छोटा है, ठीक है, 11 25 55, 20 84, तो ये भाई साहब ये इससे बड़ा हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखिए 22 25 110, 25 चौके 100। अब इसमें देखिए छोटा है, हाँ बिल्कुल है, 15 चौके 60, 11 25 55, तो बिल्कुल 60 से 55 छोटा है, अभी तक तो सही है। 20 गुना 11 220, और 15 गुना 11 165, तो 220 से 165 छोटा है, यानी सी अवरोही क्रम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 अलग अलग मोबाइल पर स्टॉप वॉच में अलार्म सेट किया जाता है, तो क्रमशः 15, 20 तथा 25 सेकेंड में बजती है। नोट कीजिए, 15 सेकेंड 20 सेकेंड 25 सेकेंड, तीनों का एलसीएम लीजिएगा कितना बचेगा? तीनों का एलसीएम होगा आपका 25 चौके 100, 15 से नहीं कटेगा, 150 कटेगा, 300 आएगा क्या? निकाल के देखते हैं, 5 3 5 के 20, 50 25 4 3 12, 12 5 60, 60 दिया 180, यानी 15 20 1 सेकेंड 180 कैसे आ सकता है? 5 से 3 5 के 20, 5 25 5 के 20, 20 60, 60 पचे 300, हाँ 300 एलसीएम था, 20 25, यानी ये अगर एक साथ बजती है तो अगली बार 300 सेकेंड के बाद वो एक साथ फिर बजेंगी। पूछ क्या रहा है? यदि वह 9:25 पर एक साथ बजे तो फिर एक साथ कितना बजेगा? एक साथ, तो फिर एक साथ कब बजेगा? कितना सेकेंड बाद? 300 सेकेंड, 300 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं? 5 मिनट, तो कब बजेगा? 9:30 बजे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए 12 प्लस 12 प्लस 12 अंडर रूट में, जब भी ऐसा हो और बीच में प्लस का साइन हो
तो इसको एक ऐसा मल्टीप्लाई में तोड़ा कीजिए जिसका डिफरेंस वन हो, ठीक है। चार गुना तीन, इसका डिफरेंस वन है, 12 आ जा रहा है, सबसे बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या है, प्लस है, चार आंसर हो जाएगा, चार कहाँ है, बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमीशन की दर से, कमीशन की दर 8% से 10% बढ़ने पर किसी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, व्यवसाय के मूल्य में प्रतिशत कमी ज्ञात करें। देखिए 8 से 10 हो रही है, तो अगर अपरिवर्तित रहती है तो इसके व्यवसाय के मूल्य में 10 से 8 घटाना पड़ेगा, तो 10 में से 8 घटाइए, 2 10 100 यानी 10 × 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए 81 नंबर क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ती है परंतु प्रवजन के कारण प्रत्येक वर्ष में 2% जनसंख्या घटती है, तो 2 वर्षों में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए माना जनसंख्या 100 है, 110 वृद्धि हुई 10% की, बटा में 100 गुना 98 बटा में 100, 2 माइनस भी हुई थी 2% इक्वल टू आपका आएगा 107.8। देखिए गुना घर पे कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे लेंदी हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेटर से मेरा किया हुआ है। देखिए 107.8 पहले साल में जनसंख्या हो गई, दूसरे साल में क्या होगी, 11/10 × 49/50। अब 49/50 कहाँ से आया, 98/100 कीजिएगा तो इसको काटिएगा, 49/50 आएगा, तो दूसरे शहर की जनसंख्या आपकी हो जाएगी 116.20। कहें ये देखिए 16.20 की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो 81 का सी आंसर हो जाएगा आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2700 रुपये पर 4 अप्रैल 2022 से 16 जून 2022 तक का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। 4 अप्रैल कितने दिनों का महीना होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 30 दिनों का, यानी इससे बाद 26 दिन, अप्रैल मई जून, 6 × 7 = 7, 6 × 13 = 3, 8 × 1 × 3 = 4, 4 × 2 = 1, 7 यानी 73 दिनों का हमें साधारण ब्याज निकालना है। अगर 73 दिन है तो इसको साल में चेंज कीजिए क्योंकि हमें वार्षिक निकालना है, कितना होगा, कटेगा क्या, 3 × 15 = 5 × 1 = 7 × 35 = 36, बिल्कुल 5 से कटेगा, यानी 1/5 वर्ष आया हमें, तो निकालिए PRT × 100 2700 × 1 × 1/5 होगा, 5 नीचे लिख देंगे, गुना दर बटे में 100 गुना में 5, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से 2 बार में 27 × 54 रुपया, कितना ब्याज देना पड़ेगा, 54 रुपया, कहाँ आपका, बी में। चलिए रोहन सोहन तथा मोहन की मासिक वेतन का अनुपात 4:5:6 है, यदि मोहन का मासिक वेतन रोहन के मासिक वेतन से 800 रुपये अधिक है, मोहन का मासिक वेतन जो है वो रोहन के मासिक वेतन से कितना अधिक है, 800, यहाँ कितना अधिक है, 2, यानी 2 जो है वो 800 के बराबर है, ठीक है। तो सोहन का अर्धवार्षिक वेतन क्या है, देखिए सोहन का मासिक वेतन कितना है, 5, तो अर्धवार्षिक क्या हो जाएगा, 5 × 6, अर्धवार्षिक में 6 महीने होते हैं, 2 से काटिएगा, 3 बार में 8 × 40 = 12,000। एक टीवी विक्रेता है जेठालाल गड़ा, एक टीवी को 5% के घाटे पर बेचता है, अगर वह उसे 100 रुपये ज़्यादा में बेचता तो 15% का लाभ होता। देखिए बेचा कितना में, 5% घाटे में, 15% बेच, अगर 100 रुपये में ज़्यादा बेचता तो कितना परसेंट लाभ होता, 15%, यानी -5, ठीक है, हुआ भी, होना कितना चाहिए था, 15% लाभ, टोटल 20%। जैसे मान लीजिए 5% घाटे में बेचा तो कितना में बेचा होगा, 95, ठीक है, अगर 5% घाटे में बेचा, 100 रुपये का कोई वस्तु होगा, 5% घाटे में बेचा तो 95 में बेचा होगा,
100 रुपये अधिक में बेचता तो 115% का लाभ होता। अब मान लीजिए 100 है, हमें कितना लाभ हो रहा है 15% का, यानी 115 में बेचेंगे तभी तो 15% का लाभ होगा। अब देखिए दोनों में गैप कितने का है, 115 माइनस 95 कीजिएगा 20 का। हमें 20 रुपये अगर अधिक में बेचते तो 15% का लाभ होता। यहाँ कितना बोल रहा है 100 रुपये ज़्यादा, यानी ये जो 20 है वो किसके बराबर है 100 रुपये। तो मूलधन क्या होगा, 100 जो है वो 20 है तो मूलधन, मूलधन कितना माने से 100, मतलब CP कॉस्ट प्राइस 20 × 100 यानी 500 रुपये का टीवी था। कौन सा टीवी इतना सस्ता आने लगा, 500 रुपये का टीवी था। अब बोल रहा है 25% लाभ कमाने के लिए, तो 25% क्या होता है 1/4 होता है, तो 500 का 1/4 125 होगा, ऐड कर दीजिए 625 में बेचना पड़ेगा, 84 का ए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बकरी और कुत्ता को प्रत्येक को 15,000 में बेचा गया, बकरी को 20% की हानि तथा कुत्ता को 20% के लाभ पर बेचा गया, दोनों को कितने में बेचा गया 15,000 में, एक को 20% की हानि हुई है यानी 5/4 हुआ होगा, 20% का मतलब 1/5 होता है, हानि हुई तो 5/4 हो गया हो, यानी 4 जो है 15,000 है, तो 5 कितना है आपका आएगा 18,750। देखिए एक को 20% लाभ पर बेचा गया यानी 15,000 जो है वो 6 है, 1/5 5/6 हो जाएगा लाभ, 6 जो है 15,000 है, तो 5 कितना होगा, 5 आएगा आपका 12,500, ऐड कीजिए दोनों को 0, 5, 7, 5, 12 का दो हाथ में 1, 8, 2, 10 10 × 11 एक हाथ में 1, 1, 2, 1, 3 यानी टोटल टोटल जो क्रैमूल था हमारा वो 31,250 था, बेचा हमने कितने में 15,000 में, कितने का लाभ हुआ 1,250 रुपये का, सॉरी कितने की हानि हुई 1,250 रुपये की। सी चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रेम था आशीष एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिन में करते हैं, प्रेम आशीष 20 दिन में उन्होंने एक साथ 15 दिनों तक काम किया, उसके बाद आशीष ने काम छोड़ दिया। देखिए प्रेम प्लस आशीष कितने दिन में करते हैं 20 दिनों में, एक साथ कितने दिन काम किया 15 प्लस ए, फिर प्रेम ने शेष बचे हुए काम को 15 दिन में पूरा किया प्लस 15 प्रेम, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 20P + 20A इक्वल टू 15P + 15A + 15P। यहाँ 15A है, यहाँ 20A है, इधर जाके 5A हो जाएगा, इधर देखिए 15P है, 15P 30P 20P इधर आके 10P हो जाएगा, दोनों का रेशियो निकालेगा, 7 वाला कभी रेशियो होता नहीं है, तो 5A का रेशियो 2 हो जाएगा, P का रेशियो 1 हो जाएगा, यानी आशीष 2 के एफिशिएंसी से काम करता है और प्रेम 1 के एफिशिएंसी से, तो 3 दिन में 3 के रेशियो से 1 दिन में काम करेंगे, तो 20 दिन में टोटल काम कितना करेंगे 60 काम। क्वेश्चन क्या पूछा, आशीष अकेले उस पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेगा, आशीष का एफिशिएंसी क्या है 2 का, तो 60 काम 2 के हिसाब से करेगा, कितना दिन लगेगा 30 दिन। सी अंतर। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक बैग है जिसमें 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है 50 पैसे का है 25 पैसे का है 10 पैसे का है, 5, 7, 9 के अनुपात में 50 पैसे के 5 सिक्के होंगे तो कितना रुपये हो जाएगा 2.5 रुपये 2.5। 25 पैसे के 7 सिक्के होंगे तो कितना होगा 25×100 यानी 1.75 25×100 10 पैसे के 9 सिक्के होंगे तो 90 पैसा टोटल कितना आया, टोटल आया 2 रुपये 2×1 3 रुपये 3 रुपये 3×1 4 रुपये 25 पैसे 4 रुपये 25 पैसे और 90 यानी 5 रुपये 15 पैसे 5.15 रुपये। कुल राशि कितनी है, कुल राशि है 309 यानी 5 रुपये 15 पैसे जो है 309 रुपये के बराबर है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 5 कर दीजिए, इसको दशमलव हटाइएगा तो ऊपर 2 जीरो आएगा 5×3=15 अब 103 से कटेगा 3 बार में यानी 300, तो आंसर कितना आ गया हमारा 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 300। चलिए रोहन एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर कोनिक बिंदु A से साइकिल चलना शुरू करता है, देखिए ये एक वर्गाकार मैदान है, रोहन क्या करता है बिंदु कोनिक बिंदु A से साइकिल चलाना शुरू करता है, मान लीजिए A है यहाँ से शुरू करता है, 1 घंटे के बाद वह कोनिक बिंदु C पर देखिए यहाँ पहुँचता है, 1 घंटे के बाद
यदि उसकी गति 10 किलोमीटर पर आवर थी तो मैदान का क्षेत्रफल क्या है? देखिए एक घंटे में कितना चलाया होगा, 10 किलोमीटर, यानी ये 5 होगा, ये भी 5 होगा, ठीक है। वर्ग का सब भुजा बराबर होता है, एक घंटे में 10 किलोमीटर चला है, यहाँ से यहाँ चला है, यहाँ से यहाँ चला है, तो 5 इधर चला होगा, 5 इधर चला होगा। पूछा मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, 5 × 5 कितना होता है 25, 89 का सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ गया, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया धन 2 वर्ष में 2820 रुपये तथा 3 वर्ष में 9261 हो जाते हैं। 2 वर्ष में कितने हुए 2820, 3रे वर्ष में 9261। देखिए इसको रेशियो से तोड़िए, रेशियो इसका अगर तोड़िएगा तो आपका आएगा 441 का। तो 8820 का जो है 441 कितना परसेंट होगा, 10 से 10 441 गुना 2 × 10 यानी 5%, 20 से 21 हो रहेगी। अगर 5% होगा तो हमेशा 20 से 21 हो रहेगी, तो मूलधन ज्ञात करने के लिए हमें दूसरे वर्ष से 8820 जो है वो 21 होगी, 8820 जो है वो 21 है, तो 20 कितना होगा, ये पहले साल का आ गया, हमें निकालना है मूलधन, तो ये भी 21 होगी, 20 कितना आएगा, 21 441 गुना 2 20 × 20 × 20 8000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विपरीत दिशा में जा रहा है, चाल क्या होगी, जुटेगी 40। तो ट्रेन के समांतर चल रहा है, यदि ट्रेन 54 सेकंड में उस आदमी को पार करता है, इसको पहले मीटर पर सेकंड में बनाएंगे, क्या करेंगे 5/18 से गुना, कितना सेकंड चला 54 सेकंड, 18 * 54 5 * 15 15 * 60 कितना मीटर का ट्रेन है, 600 मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 वर्ष बाद गोलू की आयु 15 वर्ष पहले गोलू की उम्र से दोगुनी होगी, 15 वर्ष बाद गोलू की आयु 15 वर्ष पहले गोलू की आयु की, मतलब 15 1 से अभी मान लेते हैं, इसे 15 साल जाएंगे पीछे और इसके 15 साल जाएंगे आगे, तो x माइनस 15 जो होगी, पूछा गया है गोलू की उम्र से दोगुनी होगी, यानी इसमें अगर 2 गुना करेंगे तो हमें मिलेगा x + 15। देखिए क्या बोला है, 15 वर्ष बाद गोलू की आयु 15 वर्ष पहले की गोलू की उम्र से दोगुनी होगी, 15 वर्ष पहले की गोलू की उम्र ये है, इससे दोगुनी करेंगे तो 15 वर्ष बाद के गोलू की आयु मिलेगी, कीजिए 2 गुना 2x - 30 = x + 15, 2x में से x कटेगा, x बचेगा, -30 जाके प्लस हो जाएगा, अभी कितना साल है 45 साल, गोलू की आयु है अभी 45 साल। यदि आलोक गोलू से 30 वर्ष छोटा है, देखिए गोलू की एज नहीं मिल गई हमें 45, आलोक गोलू से 30 वर्ष छोटा है यानी 15 साल का होगा, तो आलोक की वर्तमान आयु सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक समबहुभुज है, हमें पता नहीं कितनी भुजा है, कि प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 120 डिग्री है, अगर प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 120 होगा तो बाह्य कोण का मान कितना होगा, 180 - 120 कितना होगा 60। भुजाएं पूछा है तो 360 डिग्री को 60 से डिवाइड कर दीजिए, 6 यानी 6 भुजाओं वाला तटभुज होगा वो। चलिए यदि ए अपने कोटि पूरक कोण से 26 डिग्री अधिक है और बी अपने संपूरक कोण से 30 डिग्री कम है, तो ए माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कोटि पूरक कोण क्या होता है, अगर ए को हम एक्स मानते हैं तो इसका कोटि पूरक कोण होगा x - 26, ठीक है। तो अब जोड़ेंगे 2x + 2x - 26 = 90 डिग्री, कोटि पूरक कोण है तो 90 डिग्री होगा, 2x माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा यानी 116, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपको 58 डिग्री, ए का मान 58 है। बी अपने संपूरक कोण से 30 डिग्री कम है, संपूरक कोण क्या होता है 180, अपने संपूरक कोण से 30 डिग्री कम है यानी x होगा अगर ये, तो संपूरक कोण इसका क्या होगा x + 30, तो 2x + 30 = 180, x बराबर क्या हो जाएगा 30 जाके माइनस होगा यानी 150 / 150 / 2 यानी 75 डिग्री। तो पूछा है a - b क्या होगा, 58 - 75, 5 से 8 जाएगा,
कितना बचेगा, 8, 7, 15, 7 बचेगा, और 6 में से 1, 5 जाएगा 1, यानी माइनस में 17 डिग्री कहाँ है आपका बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, दी गई आकृति जीवा ए बी सी डी बिंदु एल पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसका एक फार्मूला होता है, अगर फार्मूला है ये वाला, बारी बारी लंबाई गुना पूरा लंबाई इक्वल टू ये पूरा लंबाई, यानी सी एल गुना पूरा क्या है डी एल इक्वल टू बी एल गुना पूरा क्या है ए एल, ए एल तोल कीजिए इसको, सी एल कितना है, सी एल है 6 इंटू डी एल कितना है 11 प्लस 6 17 इक्वल टू बी एल कितना है, बी एल है 4 प्लस पूरा कितना है 4 प्लस x इंटू 4 प्लस x 17 गुना 6 कितना आता है 10 6 60 6 42 102 इक्वल टू 6 16 प्लस 4x सोल्व कीजिए इसको, 4x प्लस 16 इक्वल टू 102, 4x प्लस 16 इक्वल टू 102, 4x 16 इधर प्लस में उधर जाके माइनस होगा, 12 में से 6 गया 6 बचेगा और 9 में से 1 गया 8 बचेगा, यानी 86। एक्स बराबर क्या आएगा, एक्स बराबर आएगा आपका 86/4 21 6 84 5 21 x 21.5 बी आंसर। यदि ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा, देखिए एक फार्मूला आता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है, ये कितना बोला है, ये बोला है 0, अगर ये 0 है तो पूरा का पूरा ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये अगर 75 भी लिखते हैं तो 75 गुना 0 इक्वल टू 0, यानी ये कुछ भी आए हमें मतलब नहीं, ये पूरा अगर 0 हो गया ये तो पूरा संख्या क्या हो जाएगी 0, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर 0, माइनस 3ABC बराबर के उधर जाएगा तो बचेगा प्लस 3ABC, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या 2 अंक की बनी है, संख्या के दोनों अंकों का योग 8 है, संख्या के दोनों अंकों का योग 8 है, यदि संख्या के दोनों अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 18 अधिक हो जाएगी, पुरानी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे आसान तरीका ऑप्शन से सॉल्व कीजिए, 8 8 16 हो ही नहीं सकता, योग 8 होना चाहिए, 5 4 9 गलत, 5 3 8 ये हो सकता है, 4 2 7 ये भी नहीं हो सकता, सी ऑप्शन। दिए गए समीकरण में इकाई अंक ज्ञात कीजिए, 4 से डिवाइड करने का पावर को, 4 3 12 4 6 24 यानी ये डिविजिबल है तो इसको लिखिए, इसका इकाई अंक आएगा 3 × 3 × 3 × 3 3 3 9 27 27 81 यानी इसका इकाई अंक आएगा 1 माइनस, ये 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं 4 से डिवाइड कीजिएगा ना तो ये 3 बच जाएगा, तो 5 का कितना बचेगा 5, 5 का क्यूब कीजिएगा तो इकाई अंक 5 ही आएगा, ऐसे 5 को कहीं भी कर दीजिए इकाई अंक 5 ही आना है, 1 है 1 को कहीं भी कर दीजिए इकाई अंक 1 ही आना है, तो उससे मतलब है नहीं, प्लस 6 को किसी भी नंबर से गुणा कर दीजिए, मतलब 6 का किसी भी पावर के कितना भी पावर कीजिए आपका इकाई अंक हमेशा 6 आना है, देख लीजिए 6 6 36 6 × 6 × 6 216 इकाई अंक कितना आता है 6, इसको सॉल्व कीजिए, 6 1 7 5 1 6 7 − 6 कितना आएगा 1, कहाँ है आपका 1 ए में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है उन दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनमें पहली संख्या का 4 गुना दूसरी संख्या के 3 गुने से 10 अधिक है। देखिए पहली संख्या का 4 गुना दूसरी संख्या के 3 गुने से 10 अधिक है, मान लीजिए देखिए क्रमागत है तो मान लीजिए एक एक्स है, एक एक्स प्लस वन होगा, क्रमागत होगा तो एक्स प्लस वन होगा, पहली संख्या का 4 गुना 4x प्लस दूसरी संख्या के 3 गुने से 10 अधिक है, दूसरी संख्या का 3 गुना कितना होगा 3x प्लस 3, पहली संख्या का 4 गुना दूसरी संख्या के 10 गुने सॉरी 3 गुने से 10 अधिक है, यानी इसमें माइनस कीजिएगा इसको तो कितना मिलेगा 10, तो 4x − 3x एक्स प्लस 3 = 10 x = 7 + 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो x = कितना आएगा 7, पूछ क्या रहा है
उन दो गर्भागत संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक 7 आया, गर्भागत संख्या 8, तो 8 सते 56, सच्चो 28, 8 3 24, 10 अधिक तो आ नहीं रहा है, एक सेकेंड। क्रमागत संख्या x मान लिए, x प्लस 1 मान लिए, पहली संख्या का 4 गुना यानी 4x, दूसरी संख्या के 3 गुने से 10 अधिक है यानी -10। इसको सोल्व कीजिएगा, 4x माइनस 3x हो जाएगा, ये भी माइनस में 3 हो जाएगा, इक्वल टू 10। 4x माइनस 3x, x माइनस 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 13। एक संख्या 13 आती है, एक संख्या 14, 13 × 14 करने से कितना आएगा, 4 × 12 का अंक 2 आएगी, सिर्फ एक ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 मीटर पैदल दौड़ में श्वेता 5 किलोमीटर घंटा की औसत गति से दौड़ती है। वह बीना को 20 मीटर का शुरुआत देती है, ठीक है, फिर भी उसे 18 सेकंड से हरा देती है, तो बीना की औसत गति क्या होगी 200 मीटर पैदल दौड़ में, ठीक है, 20 मीटर की शुरुआत देती है, यानी बीना को दौड़ना कितना है 180, 5 किलोमीटर पर घंटा से 200 मीटर कितना देर में चलेगी, 200 मीटर चलना है इसको 5 × 5/18 से, कितना सेकंड लगेगा, 18 × 3600, इसको काटिए पहले, 50 से कटेगा आपका 208 बार में, तो 18 × 8 कितना आता है 144, यही आता है ना, 10 × 80 = 64, 4 × 8 = 14, 144, 144 सेकंड में ये रेस कंप्लीट करती है। वीना को कितने देर में हरा देती है, 18 सेकंड से हरा देती है, यानी वीना 18 सेकंड और लेगी, 8 × 4 = 12, 2 हाथ में 1, 4 × 5 = 6, यानी 162 सेकंड में वीना कितना दौड़ेगी 180 मीटर, क्योंकि इसको ऑलरेडी 20 मीटर का शुरुआत मिल गया था, तो चलिए 180 दौड़ना है कितना सेकंड में 162, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 18/5 से गुना कर देंगे, 5 से काटिए इसको, 5 × 5 = 15, 5 × 36 = 36, 18 से 162 कटेगा बिल्कुल, 9 बार में 9 × 4 = 36, यानी आंसर क्या आएगा 4 किलोमीटर पर घंटा किसका स्पीड है वीना का। चलिए वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और स्टूडेंट भी और आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। 60 क्रिया के मिश्रण में गोल्ड और कॉपर का अनुपात 8:7 कितना है 7 है, मिश्रण में गोल्ड की कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि अनुपात 5:5:4 हो जाए, मिलाई क्या गई है गोल्ड, यानी कॉपर तो सेम ही है तो कॉपर को बराबर कर लेते हैं, यहाँ 4 से गुना कीजिए, यहाँ 7 से, तो कॉपर बराबर हो जाएगी, ऊपर वाले में नीचे से, नीचे वाले में ऊपर से बराबर करने के लिए गुना करते हैं, 8 × 4 = 32, अब अगर गुना कर रहे हैं तो सिर्फ इसी में थोड़ी ना होगी, पूरा में होगी ना, पूरा में 8 × 4 = 32, अनुपात 28, यहाँ देखिए 7 × 5 = 35, अनुपात 4 × 28 हो गया इक्वल, ये तो इक्वल हो गया, पूछ कितना रहा है, पूछ रहा है गोल्ड की कितनी मात्रा मिलाई जाए, कितनी मात्रा मिलाई 3 किसके बराबर होगा 32 और 28 कितना होता है 30 20 50 10 60, यानी 60 के बराबर है, तो 3 कितना होगा 3 के बराबर। देखिए एक बकरी और कुत्ता को प्रत्येक को 15,000 में बेचा गया, बकरी को 20% की हानि तथा कुत्ता को 20% के लाभ पर बेचा गया, दोनों को कितने में बेचा गया 15,000 में, एक को 20% की हानि हुई है यानी 5/4 हुआ होगा, 20% का मतलब 1/5 होता है, हानि हुई तो 5/4 हो गया हो, यानी 4 जो है 15,000 है, तो 5 कितना है आपका आएगा 18,750। देखिए एक को 20% लाभ पर बेचा गया यानी 15,000 जो है वो 6 है, 1/5, 5/6 हो जाएगा लाभ, 6 जो है 15,000 है, तो 5 कितना होगा 5 आएगा आपका 12,500, ऐड कीजिए दोनों को 0, 5, 7, 5, 12 का दो हाथ में 1, 8, 2, 10, 10 × 11 का एक हाथ में 1, 1, 2, 1, 3, यानी टोटल जो क्रैमूल था हमारा वो 31,250 था, बेचा हमने कितने में 15, 15, 3,000 में, कितने का लाभ हुआ 1,250 रुपये का, सॉरी कितने की हानि हुई 1,250 रुपये की। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रेम था आशीष एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिन में करते हैं, प्रेम आशीष 20 दिन में, उन्होंने एक साथ 15 दिनों तक काम किया, उसके बाद आशीष ने काम छोड़ दिया। देखिए प्रेम
प्लस आशीष कितने दिन में करते हैं, 20 दिनों में। एक साथ कितने दिन काम किया, 15 प्लस ए। फिर प्रेम ने शेष बचे हुए काम को 15 दिन में पूरा किया, प्लस 15 प्रेम। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, 20p प्लस 20a इक्वल टू 15p प्लस 15a प्लस 15p। यहाँ 15a है, यहाँ 20a है, इधर जाके 5a हो जाएगा। इधर देखिए 15p है, 15p 30p 20p इधर आके 10p हो जाएगा। दोनों का रेशियो निकालेगा, 7 वाला का भी रेशियो होता नहीं है, तो 5 ए का रेशियो 2 हो जाएगा, पी का रेशियो 1 हो जाएगा। यानी आशीष 2 के एफिशिएंसी से काम करता है और प्रेम 1 के एफिशिएंसी से, तो 3 दिन में 3 के रेशियो से 1 दिन में काम करेंगे, तो 20 दिन में टोटल काम कितना करेंगे, 60 काम। क्वेश्चन क्या पूछा, आशीष अकेले उस पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेगा, आशीष का एफिशिएंसी क्या है 2 का, तो 60 काम 2 के हिसाब से करेगा, कितना दिन लगेगा, 30 दिन। सी आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक बैग है जिसमें 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, 50 पैसे का है, 25 पैसे का है, 10 पैसे का है, 5, 7, 9 के अनुपात में 50 पैसे के 5 सिक्के होंगे, तो कितना रुपये हो जाएगा, 2.5 रुपये। 25 पैसे के 7 सिक्के होंगे तो कितना होगा, 25 चौके 100 यानी 1.75, 25 से 175। 10 पैसे के 9 सिक्के होंगे तो 90 पैसा। टोटल कितना आया, टोटल आया 2 रुपये, 2 1 3 रुपये, 3 रुपये, 3 1 4 रुपये, 25 पैसे, 4 रुपये 25 पैसे और 90 यानी 5 रुपये 15 पैसे, 5 रुपये.15 पैसे। कुल राशि कितनी है, कुल राशि है 309 यानी 5 रुपये 15 पैसे जो है 309 रुपये के बराबर है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 5 कर दीजिए। इसको दशमलव हटाइएगा तो ऊपर 2 0 आएगा, 5 एकम 5 0 3। अब 103 से ही कटेगा 3 बार में यानी 300। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 300। चलिए, रोहन एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर कोणिक बिंदु ए से साइकिल चलना शुरू करता है। देखिए ये एक वर्गाकार मैदान है, रोहन क्या करता है, बिंदु कोणिक बिंदु ए से साइकिल चलाना शुरू करता है। मान लीजिए ए है, यहाँ से शुरू करता है, 1 घंटे के बाद वह कोणिक बिंदु सी पर, देखिए यहाँ पहुँचता है 1 घंटे के बाद। यदि उसकी गति 10 किलोमीटर पर आवर थी तो मैदान का क्षेत्रफल क्या है। देखिए 1 घंटे में कितना चलाया होगा, 10 किलोमीटर यानी ये 5 होगा, ये भी 5 होगा। ठीक है, वर्ग का सब भुजा बराबर होता है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर चला है, यहाँ से यहाँ चला है, यहाँ से यहाँ चला है, तो 5 इधर चला होगा, 5 इधर चला होगा। पूछा मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, 5 × 5 कितना होता है, 25। 89 का सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ गया, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया धन 2 वर्ष में 2820 रुपये तथा 3 वर्ष में 9261 हो जाते हैं। 2 वर्ष में कितने में, 2820, 3रे वर्ष में 9261। देखिए इसको रेशियो से तोड़िए, रेशियो इसका अगर तोड़िएगा तो आपका आएगा 441 का, तो 2820 का जो है 441 कितना परसेंट होगा, 10 से 10 441 × 2 2×5 10 यानी 5%, 20 से 21 हो रहेगी। अगर 5% होगा तो हमेशा 20 से 21 हो रहेगी, तो मूलधन ज्ञात करने के लिए हमें दूसरे वर्ष से 2820 जो है वो 21 होगी, 2820 जो है वो 21 है, तो 20 कितना होगा, ये पहले साल का आ गया, हमें निकालना है मूलधन, तो ये भी 21 होगी। 20 कितना आएगा, 21 441 × 2 20 × 20 × 20 8000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विपरीत दिशा में जा रहा है, चाल क्या होगी, जुटेगी 40। तो ट्रेन के समांतर चल रहा है, यदि ट्रेन 54 सेकंड में उस आदमी को पार करता है, इसको पहले मीटर पर सेकंड में बनाएंगे, क्या करेंगे, 5/18 से गुना, कितना सेकंड चला, 54 सेकंड, 18 × 54 5 × 15 15 × 60 कितना मीटर का ट्रेन है, 600 मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 वर्ष बाद गोलू की आयु 15 वर्ष पहले गोलू की उम्र से दोगुनी होगी। 15 वर्ष बाद गोलू की आयु 15 वर्ष पहले गोलू की आयु की, मतलब 15 एक से भी मान लेते हैं, इसे 15 साल जाएंगे पीछे
और इसके 15 साल जाएंगे आगे, तो ये एक्स माइनस 15 जो होगी पूछा गया है कूलर की उम्र से दोगुनी होगी, यानी इसमें अगर दो गुना करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स प्लस 15। देखिए क्या बोला है, 15 वर्ष बाद गोलू की आयु 15 वर्ष पहले की गोलू की उम्र से दोगुनी होगी। 15 वर्ष पहले की गोलू की उम्र ये है, इससे दोगुनी करेंगे तो 15 वर्ष बाद के गोलू की आयु मिलेगी। कीजिए दोगुना, 2x माइनस 30 इक्वल टू एक्स प्लस 15। 2x में से x कटेगा, x बचेगा, माइनस 30 इधर जाके प्लस हो जाएगा। अभी कितना साल है, 45 साल, गोलू की आयु है अभी 45 साल। यदि आलोक गोलू से 30 वर्ष छोटा है, देखिए गोलू की एज नहीं मिल गई हमें 45, आलोक गोलू से 30 वर्ष छोटा है यानी 15 साल का होगा, तो आलोक की वर्तमान आयु सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक सम बहुभुज है, हमें पता नहीं कितनी भुजा है, कि प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 120 डिग्री है, अगर प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 120 होगा तो बाह्य कोण का मान कितना होगा, 180 माइनस 120 कितना होगा 60। भुजाएं पूछा है तो 360 डिग्री को 60 से डिवाइड कर दीजिए, 6 यानी 6 भुजाओं वाला तटभुज होगा वो। चलिए यदि ए अपने कोटि पूरक कोण से 26 डिग्री अधिक है और बी अपने संपूरक कोण से 30 डिग्री कम है, तो ए माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कोटि पूरक कोण क्या होता है, अगर ए को हम एक्स मानते हैं तो इसका कोटि पूरक कोण होगा एक्स माइनस 26, ठीक है। तो अब जोड़ेंगे 2x माइनस 26 इक्वल टू 90 डिग्री, कोटि पूरक कोण है तो 90 डिग्री होगा, 2x माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा यानी 116। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा आपको 58 डिग्री, ए का मान 58 है। बी अपने संपूरक कोण से 30 डिग्री कम है, संपूरक कोण क्या होता है 180, अपने संपूरक कोण से 30 डिग्री कम है यानी एक्स होगा अगर ये, तो संपूरक कोण इसका क्या होगा एक्स प्लस 30, तो 2x प्लस 30 बराबर 180, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 30 इधर जाके माइनस होगा यानी 150 बटा में 2 यानी 75 डिग्री। तो पूछा है ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा 58 माइनस 75 5 से 8 जाएगा कितना बचेगा 8 7 15 7 बचेगा, और 6 में से 5 जाएगा 1 यानी माइनस में 17 डिग्री कहाँ है आपका बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, दी गई आकृति जीवा ए बी सी डी बिंदु एल पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसका एक फार्मूला होता है, अगर फार्मूला है ये वाला, बाहरी लंबाई गुना पूरा लंबाई इक्वल टू ये पूरा लंबाई यानी सी एल गुना पूरा क्या है डी एल इक्वल टू बी एल गुना पूरा क्या है ए एल, ए एल सोल्व कीजिए इसको, सी एल कितना है, सी एल है 6 इंटू डी एल कितना है 11 प्लस 6 17 इक्वल टू बी एल कितना है, बी एल है 4 प्लस पूरा कितना है 4 प्लस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स 17 गुना 6 कितना आता है 10 6 60 6 42 102 इक्वल टू 4 16 प्लस 4x सोल्व कीजिए इसको, 4x प्लस 16 इक्वल टू 102, 4x प्लस 16 इक्वल टू 102, 4x 16 इधर प्लस में उधर जाके माइनस होगा, 12 में से 6 गया 6 बचेगा और 9 में से 1 गया 8 बचेगा यानी 86। x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा आपका 86 बटे 4 2184 5 21 इंटू 21.5 बी आंसर। यदि a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा, देखिए एक फार्मूला आता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है, ये कितना बोला है, ये बोला है 0, अगर ये 0 है तो पूरा का पूरा ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये अगर 75 भी लिखते हैं तो 75 गुना 0 इक्वल टू 0 यानी ये कुछ भी आए हमें मतलब नहीं है, पूरा अगर 0 हो गया ये
तो पूरा संख्या क्या हो जाएगी, जीरो, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी बराबर जीरो। माइनस थ्री ए बी सी बराबर के उधर जाएगा तो बचेगा प्लस थ्री ए बी सी, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, थ्री ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या दो अंक की बनी है, संख्या के दोनों अंकों का योग आठ है, संख्या के दोनों अंकों का योग आठ है, यदि संख्या के दोनों अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से अठारह अधिक हो जाएगी, तो पुरानी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे आसान तरीका ऑप्शन से सोल्व कीजिए, आठ आठ सोलह हो ही नहीं सकता, योग आठ होना चाहिए, पाँच चार नौ गलत, पाँच तीन आठ ये हो सकता है, चार दो सात ये भी नहीं हो सकता, सी ऑप्शन। दिए गए समीकरण में इकाई अंक ज्ञात कीजिए, चार से डिवाइड करने पावर को, चार तीन बारह चार छः चौबीस, यानी ये डिविजिबल है तो इसको लिखिए, इसका इकाई अंक आएगा थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, तीन तीन नौ दिया सत्ताईस, सत्ताईस दिया इक्यासी, यानी इसका इकाई अंक आएगा एक माइनस। ये चार से डिविजिबल है क्या, नहीं, चार से डिवाइड कीजिएगा ना तो ये तीन बच जाएगा, तो पाँच का कितना बचेगा, पाँच, पाँच का क्यूब कीजिएगा तो इकाई अंक पाँच ही आएगा, ऐसे पाँच को कहीं भी कर दीजिए इकाई अंक पाँच ही आना है, एक है, एक को कहीं भी कर दीजिए इकाई अंक एक ही आना है, तो उसे मतलब है नहीं। प्लस छः को किसी भी नंबर से गुणा कर दीजिए, मतलब छः का किसी भी पावर कितना भी पावर कीजिए आपका इकाई अंक हमेशा छः आना है, देख लीजिए छः 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 छत्तीस, छः गुने छः गुने छः दो सौ सोलह, इकाई अंक कितना आता है छः, इसको सोल्व कीजिए, छः एक सात, पाँच एक छः, सात माइनस छः कितना आएगा एक, कहाँ है आपका एक, ए में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है उन दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनमें पहली संख्या का चार गुना दूसरी संख्या के तीन गुने से दस अधिक है। देखिए पहली संख्या का चार गुना दूसरी संख्या के तीन गुने से दस अधिक है, मान लिए देखिए क्रमागत है तो मान लिए एक एक से, एक एक्स प्लस वन होगा, क्रमागत होगा तो एक प्लस वन होगा, पहली संख्या का चार गुना फोर एक्स प्लस दूसरी संख्या के तीन गुने से दस अधिक है, दूसरी संख्या का तीन गुना कितना होगा थ्री एक्स प्लस थ्री, पहली संख्या का चार गुना दूसरी संख्या के दस गुने सॉरी तीन गुने से दस अधिक है, यानी इसमें माइनस कीजिएगा इसको तो कितना मिलेगा दस, तो फोर एक्स माइनस थ्री एक्स, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू टेन, एक्स बराबर सेवन प्लस थ्री इधर जाके माइनस हो जाएगा तो एक्स बराबर कितना आएगा सेवन। पूछ क्या रहा है उन दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, देखिए एक्स सेवन आया क्रमागत संख्या आठ तो आठ सते छप्पन, सच्चो अट्ठाईस, आठ तेरी के चौबीस, दस अधिक तो आ नहीं रहा है, एक सेकेंड, क्रमागत संख्या एक्स मान लिए, एक्स प्लस वन मान लिए, पहली संख्या का चार गुना यानी फोर एक्स दूसरी संख्या के तीन गुने से दस अधिक है यानी माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री सॉरी टेन, इसको सोल्व कीजिएगा फोर एक्स माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, ये भी माइनस में थ्री हो जाएगा इक्वल टू टेन, फोर एक्स माइनस थ्री एक्स एक्स माइनस थ्री हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो तेरह, एक संख्या तेरह आती है एक संख्या चौदह, तेरह गुना चौदह करने से कितना आएगा चार तीन बारह एक आएगा दो आएगी सिर्फ एक ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 मीटर पैदल दौड़ में श्वेता 5 किलोमीटर घंटा की औसत गति से दौड़ती है, वह बीना को 20 मीटर का शुरुआत देती है ठीक है, फिर भी उसे 18 सेकंड से हरा देती है, तो बीना की औसत गति क्या होगी 200 मीटर पैदल दौड़ में ठीक है, 20 मीटर की शुरुआत देती है यानी बीना को दौड़ना कितना है 180, 5 किलोमीटर पर घंटा से 200 मीटर कितना देर में चलेगी, 200 मीटर चलना है इसको 5 गुना 5 बाई में 18 से कितना सेकंड लगेगा, 18 दुना 3600 इसको काटिए पहले, 25 से कटेगा आपका 208 बार में, तो 18 गुना 8 कितना आता है 144 यही आता है ना, 10 से 80 8 8 64 4 8 6 14 144 सेकंड में ये रेस कंप्लीट करती है, वीना को कितने देर में हरा देती है 18 सेकंड से हरा देती है, यानी वीना 18 सेकंड और लेगी, 8 4 12 के दो हाथ में 1 4 1 5 1 6 यानी 162 सेकंड में वीना कितना दौड़ेगी 180 मीटर, क्योंकि इसको ऑलरेडी 20 मीटर का शुरुआत मिल गया था, तो चलिए 180 दौड़ना है कितना सेकंड में 162, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे
18 बाई में 5 से गुना कर देंगे, 5 से काटिए इसको, 5 से 5 की 15, 5 छत्तीस, 36, 18 से 162 कटेगा बिल्कुल, 9 बार में 9 चौके 36, यानी आंसर क्या आएगा 4 किलोमीटर पर घंटा, किसका स्पीड है वीना का। चलिए वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और स्टूडेंट भी और आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना बिहार SSC का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, जो आपको ये रीजनिंग का वीडियो आपको काम आएगा SSC में, रेलवे में, बैंक में या जहाँ भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसे दूसरे शब्द का पहले से है। जैसे कीड़ा है, रोग है, कीड़ा क्या होता है वो रोग का कारण बनता है, तो युद्ध, युद्ध का किसका कारण बनता है, युद्ध से विनाश होता है, कीड़ा से रोग होता है वैसे युद्ध से विनाश होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है EKMSAG। देखिए ई कितना पे आता है, 5 पे, एम कितना पे आता है, 13 पे, यानी 8 का गैप है, ए 1 पे आता है, इसमें 8 ऐड कीजिए, 9 पे, 9 पे कौन आता है, 9 पे आपका आई आ जाएगा। उसके बाद ये देखिए के कितना पे आता है, के आता है 11 पे, एस आता है 19 पे, यहाँ भी 8 ऐड किया गया है, तो जी 7 पे आता है, इसमें 8 ऐड कीजिए, 8 7 15, 15 पे कौन आता है, 15 पे आता है आपका पी, तो क्या हो जाएगा, सॉरी 15 पे ओ आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा IO 102 का ए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 24 60 तो 120 क्या होगा? देखिए चौबीस कितना गुना करेंगे कि 60 आएगा, 24 एक्स इक्वल टू अगर 60 है तो एक्स बराबर आएगा 60 बटे 24, इसको काटिए, 6 दहा का 60, 6 चौका 24, 5 बटा 2, यानी 5 बटा 2 से 24 में गुना करेंगे, 24 गुना 5 बटा 2 करेंगे तो हमें 60 मिलेगा, 120 में यहाँ पे भी वही करना है, 120 में 5 बटे 2 से गुना करें, 2 से 60 बार में 60 गुने 5 300 का है आपका ऑप्शन बी में। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रवि दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, दक्षिण किधर होते हैं, नीचे की ओर, तो दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, वह अपने दाई ओर मोड़ता है, प्रारंभ करता है वह अपने दाई ओर मोड़ता है और 15 मीटर चलता है, इधर चलना प्रारंभ करता है उसके बाद दाई ओर मोड़ता है 15 मीटर चलता है, फिर वह अपनी बाई ओर मोड़ता है और 20 मीटर चलता है, ठीक है, तो अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, किस दिशा की ओर है मुंह, दक्षिण की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि प्रिंसिपल शब्द को कूट भाषा में LAPICNIARP लिखा जाता है तो एडोलसेंस को क्या लिखा जाएगा, देखिए LAPICNIARP देख सकते हैं, इस शब्द को पूरा इधर से लिखना आरंभ किया गया है, इसमें कूट भाषा में, तो इसको लिखिए, पहले कौन आएगा ई से सब शुरू है, ECNE गलत, ECNE ECNS है डी में गलत, यहाँ भी ELNE है ये भी गलत, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक महिला की ओर संकेत करते हुए राधा कहती है कि वह मेरी दादी की एकमात्र संतान, दादी की एकमात्र संतान कौन होगी, उसके पापा होंगे, दादी की एकमात्र संतान उसके पापा होंगे और संतान की बेटी है यानी राधा की बहन होगी, महिला राधा से किस प्रकार संबंधित है, बहन होगी। देखिए यहाँ पे एक खुद भी ऑप्शन आ सकता था कि खुद, अगर वो इकलौती रहती तो वो खुद की फ़ोटो को दिखा रही है, लेकिन यहाँ पे बहन ऑप्शन है इसलिए बहन हो जाएगा। चलिए
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोड भाषा में सी इज ब्रेव का अर्थ सुरेनिक है, सी इज ऑलवेज स्माइलिंग का अर्थ, देखिए क्वेश्चन देखिए, तो शब्द स्माइलिंग के लिए कौन सा कोड प्रयोग किया गया है, देखिए स्माइलिंग है कहाँ, यहाँ है, इसके लिए कोड क्या है, पाई सोर रे निक। अब देखिए स्माइलिंग कहीं और आया है क्या, इसमें नहीं आया है, इसमें नहीं आया है, तो देखेंगे कि कोड कहाँ कहाँ कॉमन है, पी आई देखते हैं, पी आई कहीं कॉमन है क्या, पी आई कहीं कॉमन नहीं है, एस ओ आर देखिए, एस ओ आर यहाँ कॉमन है, आर ई भी यहाँ कॉमन है, उसके बाद एन आई के देखिए यहाँ कॉमन है, तो बचा कौन, बचा पी आई जो कहीं कॉमन नहीं है, तो स्माइलिंग के लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा, पी आई, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे अपने अगले क्वेश्चन की ओर, यदि आज मंगलवार है तो आज से 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा, देखिए 61 दिन, 61 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 7 दिन के बाद सर्कल दिन का सर्कल रिपीट होने लगता है, तो इसको काटिएगा, 36 56, उसके बाद 5 दिन बचा, तो अगर मंगलवार है तो 5 दिन बाद क्या होगा, 5 दिन बाद हो जाएगा आपका, गिनिए, मंगल, ट्यूजडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सॉरी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 1 2 3 4 5, 5 दिन बाद कौन सा आना चाहिए, मंडे। देखिए 61 दिन बाद पूछा है हम लोग, 61 दिन का निकाले, 61 दिन तक कौन सा आया, संडे, उसके बाद क्या आएगा, मंडे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में विषम को छांटिए, देखिए इसमें विषम को छांटना है, छांटिए पी जे डी ए भी एक्स भी एन जी एम जी ई, देखिए पी 16 पे आता है, जे 10 पे आता है, डी 4 पे आता है, 4 + 6 = 10, 10 + 6 = 16, यहाँ देखिए ए 1 पे आता है, भी कितना पे आता है, भी आपका आता है 22 पे, एक्स एक्स आता है 24 पे, तो कोई लॉजिक नहीं है यहाँ। सी देखते हैं, एम 13 पे, जी 7 पे, 5 पे, भी 22 पे, 14 पे, 7 पे, 7 7 14 14 8 22, ये कोई लॉजिक हुआ नहीं, सिर्फ एक ही में लॉजिक लग रहा है, देखिए पी 16, जे 10, डी 4, प्लस कीजिएगा 10 + 4 = 14, 16 में से 14 2 आएगा, ठीक है, इसमें देखिए एक्स एक्स कितना पे आता है, एक्स आता है 24 पे, बी 22 पे, और ए 1 पे, 22 + 1 = 23, माइनस कीजिएगा आपका आ जाएगा 1, ठीक है, एम 13, जी 7, ई 5, 7 + 5 = 12, 13 में से 12 जाएगा 1, देखिए लॉजिक क्या है, लॉजिक है पहले अल्फ़ाबेट के नंबर वैल्यू से दूसरे और तीसरे अल्फ़ाबेट के नंबर वैल्यू को ऐड करके घटाने पर हमें कितना मिला, 1, इसमें कितना मिला, 2, तो ऑड क्या हो जाएगा, ए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंपायर, स्टंप, बल्ला, गिल्लियाँ, देखिए ये सब क्रिकेट में यूज होता है, लेकिन ये सब बना हुआ होता है, औजार होते हैं, अंपायर औजार नहीं होता, तो 110 का ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 200 300 500 400, देखिए इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है, ऑड क्या हो सकता है, इसमें सिर्फ 400 ही है जो एक स्क्वायर है, बाकी कोई भी स्क्वायर नहीं है, तो आपका 400 आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गरबा, कथक, सत्रिया, ओडिसी, देखिए कथक, सत्रिया, ओडिसी, ये सब क्या है, क्लासिकल डांस है, सॉरी ये सब क्लासिकल डांस है, गरबा एक क्लासिकल डांस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असंगत चुनिए, 29 37 21 43 13 53 5, देखिए 29 + 8 37 37 - 16 21 21 +
21 प्लस 22 है यहाँ पे 43, 43 माइनस 13 करेंगे तो आपका माइनस 30 आ जाएगा, 30 13 प्लस 53 40, 53 माइनस कितना करेंगे कि 5 आएगा यानी 48 करेंगे। देखिए 8 8 16 यहाँ पे 16 6 22, 22 8 30 यानी आपका गलत यहाँ पे है, 16 8 यहाँ पे होना चाहिए था 16 8 24, यहाँ पे 24 आना चाहिए था और 24 आने के लिए 21 में 24 जोड़िए, यहाँ पे 45 होना चाहिए था। अब देखिए 45 में 13 कटाएंगे 32, अब देखिए सही हो जाएगा 8 16 16 24 24 32, 8 8 का गैप है यहाँ पे, 32 8 40 हो जाएगा। तो गलत अंक क्या था, गलत अंक था 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से सही जल प्रतिबिंब का चयन कीजिए। जल प्रतिबिंब क्या होता है, जो भी वर्ड लिखे हुए हैं इसको उल्टा कर दीजिए, मतलब नीचे की ओर उल्टा कर दीजिए, तो नीचे की ओर उल्टा कीजिए, 6 यहाँ हैं, कैसे हो जाएगा, 6 ऐसे हो जाएगा, 6 ऐसे हो जाएगा, ऐसे देखिए 6 कहाँ है, बी में है, डी में है, ए सी एलिमिनेट हो गया। अब ओ, ओ का जल प्रतिबिंब तो ओ ही होगा, ई का ई ही होगा, डी का देखिए डी का अगर जल प्रतिबिंब तैयार करते हैं हमारा क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, डी चेंज होगा ही नहीं है, ऐसे कीजिएगा ऐसे ही होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। देखिए पूछा क्या है, वर्ग, त्रिभुज मत गिनिएगा, एक वर्ग देखिए, एक दो तीन, तीन है तीन प्लस तीन प्लस, देखिए तीन हो गए प्लस, ये देखिए एक एक ये है, एक ये है, तीन प्लस दो कितने हो गए, पाँच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी घड़ी में साधे, किसी घड़ी में साधे नौ अगर बच रहा है तो आप दर्पण, सामने दर्पण लगाइए, आपको दिखेगा कितना, ढाई बजते हुए दिखाइए देगा, ये घड़ी होती है, साधे नौ कैसे बजेगा, ऐसे ऐसे, अब इसको उल्टा आप कीजिए तो यही ना दिखाई देगा, यहाँ पे होगा ये, यहाँ पे तो ढाई बज रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू से छोटा है परंतु पी से लंबा है। देखिए पी जो है वो क्यू से तो छोटा है परंतु टी से लंबा है, आर सबसे लंबा है, आर जो है वो सबसे लंबा है, तथा एस पी से छोटा है, एस जो है पी से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है, तो एस यहाँ पे आ सकती है, पी और टी के बीच में एस आ सकती है, एस। तो ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है, ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा, अंतिम से दूसरा कौन है, एस, तो आपका ए आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथन का अध्ययन करें, ज्ञात करें कि डी का नाना कौन है, डी का नाना ज्ञात करना है, क्या है, ए बी का भाई है, ए बी का ब्रदर होगा, सी ए का पिता है, सी जो है ए का फादर है, तो बी के भी फादर होंगे, फादर अब डी ई का भाई है, देखिए डी ई का भाई है तो हमें ना डी पता है ना ई, तो इसको रहने दीजिए। चौथा देखिए बी ई की माँ है, बी जो है वो ई की मदर है, ठीक है, और डी ई का भाई है, अब देखिए डी ब्रदर है ई का, पूछ कौन रहा है, पूछ रहा है डी का नाना कौन है, ये डी की माँ हो गई और ये बी के फादर हो गए, तो डी के नाना कौन है, सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ घटाना है
माइनस का अर्थ गुना है, भागा का अर्थ जोड़ है, और गुना का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित का मान क्या होगा? देखिए 50 है, गुना है, गुना की जगह भागा लिखना है, 5 भागा, भागा का अर्थ क्या है? भागा का अर्थ है जोड़, प्लस 3 माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना 2, प्लस, प्लस का अर्थ घटाना, माइनस 3। सोल्व कीजिए, 5 से 10 बार में प्लस 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 10 6 16 माइनस 3 13, ये ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पार्श्वों के तीनों प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? देखिए 4 के साथ कौन कौन आ रहा है? 1 आ जा रहा है, 5 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है? 2 आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, तो बचा एक पासे में अंक 6 ही, जो 4 के साथ नहीं आ रहा है, तो 4 के विपरीत कौन हो जाएगा? 6। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में लीडर को देखिए 12 देखिए एल एम एन बी सी डी, ठीक है, एल एम एन एक का गैप है, बी सी डी एक का गैप लिए, ई एफ जी एच यानी दो का गैप है, तो ए बी सी डी। नेक्स्ट देखिए ए बी सी, तो एस टी यू, उसके बाद डी ए बी सी डी ई एफ जी आई जे के एल, देखिए डी डी यू एल, इसमें क्या है? डी डी यू एम, तो ये एलिमिनेट हो गया, आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों में, इस दोनों में डी डी है ही नहीं शुरू में, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक 7 27 107 427, देखिए 728 माइनस 1 27 होते हैं, और 27 गुना 4 कीजिएगा, 27 गुना 4 आपका आ जाएगा 108 माइनस 1, 107 गुना 4, 107 गुना 4 आपका 428 आएगा, यहाँ भी माइनस 1 किया गया है, तो अगला नंबर क्या होगा? अगला नंबर होगा 427 गुना 4 माइनस 1 कीजिए गुना, 728 के 8 हाथ में 2, 4 गुना 8, 8 दो 10 की 0 हाथ में 1, 6 16 एक 17, 1708 माइनस 1 1707, कहाँ है 1707? 1707 है आपका ए ऑप्शन में, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 285 253 220 186, तो नेक्स्ट नंबर घटाइए, 285 में से 253 घटाएंगे तो आपका बचेगा 5 में से 3 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 32, उसके बाद यहाँ 33, 253 में से 220 घटाइएगा तो 33 बचेगा, 220 में से 186 घटाइएगा तो यहाँ 86 और 14 आपका 220 34, तो अगला बार कितना घटाना चाहिए? 35, 186 में से 35 घटाइए, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 3 गया 5, 151, कहाँ 151? सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दकोश शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखे, देखिए शब्दकोश में आने वाले क्रम में पहले आई आएगा या पहले ई आएगा, तो निश्चित रूप से पहले ई आएगा, उसके बाद जी है दोनों में है, यू है दोनों में है, आई आएगा या एन आएगा, तो पहले आई आएगा, तो पहला वर्ड क्या हो जाएगा? 1, उसके बाद 3, 3, उसके बाद इसमें देखिए बी आई जी ए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है? ओ है, तो निश्चित रूप से 4 पहले आएगा, तो आपका क्रम ऐसे बनेगा 1 3 4 2, कहाँ 1 3 4 2? 1 3 4 2 बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि निश्चित कोड में साइंटिस्ट को SITNEICHT लिखा जाता है, तो उसी कोड में रोमेमी को क्या लिखा जाएगा? देखिए एस का ए सी लिखा गया है, तो आर का नहीं, एस आई टी है यहाँ, देखिए एस आई टी सेकेंड लेटर, सेकेंड लास्ट नंबर, उसके बाद थर्ड लास्ट नंबर, उसके बाद फर्स्ट लास्ट नंबर, तो सेकेंड लास्ट नंबर क्या है यहाँ? एम, थर्ड लास्ट नंबर ई, फर्स्ट लास्ट नंबर वाई, तो एम ई वाई हो गया, एम ई वाई कहाँ है? एम ई वाई कहीं है नहीं, ये क्या लॉजिक है?
SIT, देखिए SIT तो यहाँ भी है, एक सेकेंड, SIT, इस टी को अभी छोड़ने दे, तो SIT, NE, ICS, ICS लास्ट में टी लिखा गया है, मतलब एक लेटर को छोड़ के पूरा उल्टा लिखा गया है, उसके बाद लास्ट में वही लिखा गया है, तो MEMORY, मेमोरी, मेमोरी कहाँ है आपका, सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिला उत्तर की ओर 15 मीटर जाती है, उत्तर किधर है, ऊपर, तो उत्तर की ओर 15 मीटर भेजी सीता को, ठीक है 15 मीटर गई, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलती है, 20 मीटर चली, पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है, पुनः दाईं ओर 10 मीटर चली, फिर पुनः दाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, यानी यहाँ कनेक्ट हो जाएगी, 20 ऊपर भी है 20 नीचे भी चली, तो निश्चित रूप से इसी लाइन में आ जाएगी। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, प्रारंभिक स्थान देखिए यहाँ था, यहाँ से कितना चली थी 15, इधर कितना चल रही ऊपर से 10, यहाँ कितना बचा 5, कितनी दूर है 5 मीटर, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, 44, 49, 37, 52, -41, 58, 35, 53। देखिए क्या होगा, 44 माइनस 37 कीजिएगा तो 7 आता है ना, 7 का स्क्वायर 49 है, 7 × 7 49 है, 52 में से 41 घटाएंगे तो आपका आएगा 11, इसको रहने दीजिए, 58 में से 53 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 5, 5 × 7 है, यानी सब में गुना 7 करना है, तो 11 × 7 कर दीजिए, कितना आता है 77, यहाँ क्या आ जाएगा 77। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए समीकरण गलत है, इसे सही करने के लिए निम्न में किन दो चिन्हों को आपस में अदला बदली कर देनी चाहिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन है, सबसे पहले डिवाइड को देखा कीजिए, डिवाइड को बदल के कैसे चेंज कर सकते हैं, देखिए प्लस से डिवाइड को बदलें, अगर यहाँ पे डिवाइड कर दे तो यहाँ पे गुना करना ज़्यादा अच्छा रहता, तो भागा और गुना, यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं, 20 प्लस की जगह गुना करते हैं 14, भागा 35, ओके माइनस 10, गुना की जगह क्या लिखना है प्लस लिखना है, प्लस 12 इक्वल टू कितना आना चाहिए 10, 7 × 14, 7 × 35, 5 × 20, 4 × 8 माइनस 10 प्लस 12, 12 × 8 = 20, 20 − 10 = 10, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हुए हैं, एफ ए के दूसरे बाएं ओर है, देखिए ए के अगर इधर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है तो बाएं ओर किधर होगा, बाएं ओर इधर होगा, एफ ए के दूसरे बाएं ओर है, यहाँ पे एफ है, एफ ए के दूसरे बाएं ओर है, ये क्या क्वेश्चन है, दूसरा है या, अच्छा ठीक है दूसरा ही लेते हैं, यहाँ पे मान लो कोई बैठा हुआ है और यहाँ पे एफ है, बी ए के दूसरे दाएं ओर है, ठीक है यहाँ पे भी कोई बैठा हुआ है, यहाँ पे बी है, ए डी के बाएं ओर पड़ोसी है, ए डी का डी के बाएं ओर, देखिए डी है इधर, ए पड़ोसी हो गया, उसके बाद सी एफ और बी के बीच बैठा हुआ है, सी जो है एफ, एफ और बी के बीच सी बैठा हुआ है, यहाँ पे सी हो गया, तो ए का बायां पड़ोसी ई है, यहाँ पे ई हो गया, तो पूछ क्या रहे एफ का पड़ोसी कौन है, एफ का पड़ोसी है सी और ई, कहाँ है आपका ऑप्शन बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में रमन का ऊपर से 7वां स्थान है, 7वां है तो ऊपर भी 6 लोग होंगे, तथा नीचे से 26वां स्थान है, इधर कितने होंगे 25 लोग, तो 25 × 6 = 31, प्लस में एक ओ भी है रमन, 31 × 1 = 32, कहाँ है आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्न का सही उत्तर दीजिए, P प्लस क्यू का अर्थ है, क्यू पी की बहन है, ये आपका ये सोल्व कीजिए आप पहले, R भागा T, R भागा T का अर्थ है क्यू पी की माता है, यानी T R की माता होगी, T जो है
आर की मदर होगी, टी प्लस के, टी प्लस के का अर्थ है कि क्यू पी की बहन है, यानी के टी की बहन है, के टी की सिस्टर है। तो के का आर से क्या संबंध है, मौसी लगेगी, के आर की मौसी लगेगी, कहाँ है मौसी, सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में बी ई जी, बी ई जी को 28, डी ओ जी को 52, तथा बेल को क्या लिखा जाएगा। बी कितना पे आता है, 2 पे, ई 5 पे, जी 7 पे, 5 दो 7, 7 सात 14, 14 गुना 2 28 होता है। उसके बाद डी 4 पे, 15 पे, जी 7 पे, 7 4 11, 11 और 15 कितना होता है, 11 15 आपका 26 हो जाते हैं, 26 गुना 2 गया 52। अब बेल के लिए, बेल के लिए क्या आएगा, बी 2 5 प्लस एल 12 पे आता है, तो 12 12 24, 24 और 5 दो 7, 5 2 7 और 24 31, 31 गुना 2 करेंगे 62, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विशिष्ट कोड में डाउन द लाइन को ये लिखा जाता है, तो स्कूल एंड कॉलेज जो भी हो, दिए गए कोड में क्लोज्ड का अर्थ क्या है। देखिए क्लोज्ड कहाँ है, यहाँ है, कोड भाषा ये आ रहा है। अब देखिए ये किसी में कॉमन है क्या, पहले देखेंगे क्लोज्ड किसी में और आया है क्या। देखिए क्लोज्ड कहीं नहीं आया है, यानी जो क्लोज्ड का कोड होगा वो भी कहीं नहीं आया होगा। तो देखिए हैज परसेंटेज, परसेंटेज देखिए दो जगह आता है, तो परसेंटेज तो क्लोज्ड का कोड नहीं हो सकता है। उसके बाद हैज देखिए, यहाँ हैज है, यहाँ भी हैज है, तो हैज भी क्लोज्ड का कोड नहीं हो सकता, तो क्लोज्ड का कोड क्या है, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी डी ई एफ एच आई जे के, देखिए ए बी सी को हटाया गया है, डी ई एफ जी को हटाया गया है, एच आई जे के एल को हटाया गया है, एम एन ओ पी क्यू होगा यहाँ पे, एम एन ओ पी क्यू, एम एन ओ पी क्यू कहाँ है आपका, बी ऑप्शन में। नेक्स्ट देखिए, उस आकृति को ढूंढो जो इस श्रृंखला को उचित रूप से पूर्ण करेगी। देखिए प्रश्न आकृति है, आंसर देखिए, आंसर कौन सा आएगा, ये उलट दिया गया है, ये दोनों तो सेम ही है, यहाँ भी दोनों सेम ही है, तो उत्तर आकृति क्या होगा, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, उस आकृति को ढूंढो जो इस श्रृंखला को उचित रूप से पूर्ण करती है। मतलब नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए, नेक्स्ट में आकृति क्या आना चाहिए, यही पूछा है। रिपीट तो हो रही है, तो रिपीट में यही होगा, यही कहाँ है, बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पासे के तीन विभिन्न स्थितियां नीचे दी गई है, पाशा में दो बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। देखिए दो बिंदु के साथ कौन कौन आ रहे हैं, 4 और 6, तो 4 6 इनके विपरीत नहीं हो सकते। यहाँ देखिए 4 के साथ 5 आ जा रहा है, 3 आ रहा है, और 6 के साथ 5 आ जा रहा है, 1 आ रहा है। देखिए 4 और 6 दोनों के साथ 5 आ रहा है, तो अगर इधर 5 होगा तो ये 4 के साथ तो आएगा लेकिन 6 के साथ नहीं आएगा, अगर नीचे 5 होगा तो ये 4 के साथ नहीं आएगा, 6 के साथ आ जाएगा। अगर 5 पीछे हुआ तो अभी 6 के साथ भी आ जाएगा, 4 के साथ भी आ जाएगा, और अगर पीछे हुआ तो ये 2 का ऑपोजिट हो जाएगा, 2 का ऑपोजिट कौन हो गया, 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा पासा नीचे दी गई खुली आकृति के समान है। देखिए प्रश्न आकृति देखिए और आंसर देखिए, 3 5 6, 3 5 6, 3 और 6 साथ में आ सकते हैं क्या, कभी नहीं आ सकते। 4 2 1, 4 2 1, 4 और 1 साथ में आ सकते हैं, नहीं आ सकते, अपोजिट है। 5 2 3, 5 2 3, 5 2 अपोजिट है, नहीं आ सकते। 2 1 3, 2 1 3, हाँ ये साथ में आ सकते हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आनी चाहिए। 2 4 6 10 14 20, 2 2 4, 4 2 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 26, 20 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए।
एक गुना दो, दो गुना एक, एक प्लस एक दो, दो एक कम दो, दो दुनी चार, चार दुना आठ, आठ दुना सोलह, सोलह है नहीं, एक सेकेंड, एक गुना दो दो, दो गुना दो चार, चार गुना दो आठ, तो आठ गुना चार 32। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुजों की संख्या इसमें ज्ञात कीजिए, सबसे पहले एक, दो, तीन, और ये पूरा ऊपर तो हो गया चार, प्लस इसको मिटाते हैं, चार प्लस एक, इसमें दो, तीन, चार प्लस तीन सात हो गए, याद रखिएगा सात, उसके बाद आठ, नौ, दस, और ये पूरा 11, 11 हो गए, इधर भी चार होंगे तो 11 चार 15 हो गए, टोटल अभी तक 15 हुए हैं। अब देखिए 16, 17, यहाँ देखिए 18, 19, 21, 22, तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए, टोटल त्रिभुज हो गए आपके 22, 22 का है डी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रश्न चिन्ह को हटाने के लिए अगली कौन सी आकृति आनी चाहिए। देखिए प्रश्न आकृति देखिए, यहाँ तीन पी हैं, यहाँ दो पी हैं, यहाँ एक पी है, तो अगले आने वाले आकृति में कोई पी नहीं होगा, कोई में भी पी नहीं है, और ऊपर कर देता हूँ मैं। हाँ अब देखिए ये शेडो यहाँ गैप करके यहाँ आ रही है, उसके बाद यहाँ गैप करके यहाँ आ रही है, उसके बाद यहाँ गैप करेगी, यहाँ आएगी, यहाँ कहाँ है, ए में है, बी में है, तो आपका ए ऑप्शन हो सकता है, बी ऑप्शन हो सकता है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, यहाँ कितना है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, यहाँ छः है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, यहाँ आठ बॉक्स हैं, यहाँ छः बॉक्स हैं, यहाँ आठ बॉक्स हैं, तो अगले आने वाले छः बॉक्स होने चाहिए, छः बॉक्स कहाँ हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुनिए जो दी गई प्रश्न आकृति के जल प्रतिबिंब से मिलता है। जल प्रतिबिंब मतलब उल्टा पूरा, छः यहाँ उल्टा है, यहाँ उल्टा नहीं है, ये ऑप्शन यहाँ उल्टा है, यहाँ उल्टा नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, यहाँ गायब कर दिया गया है, ये भी एलिमिनेट, ये यहाँ ऊपर लिखा गया है जबकि आना चाहिए नीचे, ये भी एलिमिनेट, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर आकृतियों में से ऐसी आकृति का चयन कीजिए जो कागज को काटने के बाद खोलने पर दिखाई देगा। देखिए कागज को काटेंगे और खोलेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, ऐसा काटा गया क्या, नहीं, त्रिकोण है, त्रिकोण कहाँ है, त्रिकोण सिर्फ एक ही में, बी ऑप्शन में, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन, कथन और निष्कर्ष है, कुछ पत्थर ईंटे हैं, मान लीजिए ठीक है, कुछ पत्थर ईंट हैं, कुछ पत्थर ईंट है और कुछ ईंट वृक्ष है, कुछ ईंट जो है वो वृक्ष है, तो पूछ क्या रहा है, कुछ पत्थर वृक्ष है, कुछ पत्थर वृक्ष है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कुछ वृक्ष ईंटे हैं, कुछ वृक्ष ईंटे हैं, हाँ ये सही है, कुछ वृक्ष ईंटे हैं, तो निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, बी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो इस श्रृंखला को जारी रखेगा। देखिए डॉट देखिए यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद यहाँ गैप करके यहाँ आ रहा है, उसके बाद यहाँ आ रहा है, इसमें देखिए यहाँ आया, यहाँ आया, उसके बाद यहाँ आना चाहिए, देखिए यहाँ कहाँ है, इसमें है, ए में है, बी में है,
सी में भी है, डी में भी है क्या? हाँ डी में भी है। दूसरा यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल, यहाँ पे वर्ग है, यहाँ पे ट्रायंगल, तो अगला में वर्ग होना चाहिए। वर्ग का है ए में है, बी में है, सी और डी में नहीं है, तो सी और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब देखिए स्टार, स्टार यहाँ, तो स्टार का प्लेस देखिए, पहला में यहाँ आ रहा है, दूसरा में यहाँ आ रहा है, यहाँ देखिए तीसरा में यहाँ आ रहा है, तो चौथा में यहाँ आना चाहिए, यहाँ, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नाकृति में दिए गए टुकड़ों में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? वाह देखिए प्रश्नाकृति देखिए और आंसर देखिए और बताइए कौन सा बनाया जा सकता है। दो वृत्त आने चाहिए, तो दो वृत्त मिलके पूरा वृत्त तो बनाएगा ही नहीं। देखिए ये जो भाई साहब है यहाँ तो आ रहे हैं, ये तो सी ऑप्शन आपका हो सकता है। बी ऑप्शन में ये काफ़ी बड़ा है, देखिए ये बर्फी शेप में ले ले रहा है लेकिन यहाँ छोटा है, तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को प्रतिरूप को पूरा करेगी? देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका नेक्स्ट स्लाइड में चला गया है, मैं इसको भर देता हूँ। ऐसा वृत्त बिल्कुल नहीं होता, मेरे पर विश्वास कर लीजिए। ये आएगा इधर, ओके, यहाँ पे ये आएगा, उसके बाद ये वृत्त कवर होगा, उसके बाद ये कवर होगा, ठीक है, और कुछ बच तो नहीं गया। यहाँ यहाँ देखिए, यहाँ भी एक ऐसे होंगे और यहाँ भी एक ऐसा होगा, तो याद रखिएगा इस फिगर को जो मैंने बनाया है। स्लाइड में देखते हैं आंसर में कहाँ है। देखिए स्टार तो कहीं है नहीं, तो ये गलत हो गया, इधर का नहीं था, ये वाला था, ये वाला टुकड़ा हमें चाहिए था, ना ये चाहिए था ना ये, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, नीचे दिए गए आकृति में कौन सी आकृति भिन्न है? देखिए कौन सी आकृति भिन्न है, कितना भुजा है? पांच भुजा है, इसमें कितना है? एक दो तीन चार पाँच छः, यानी पंचभुज के अंदर षटभुज है, यहाँ चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज है, यहाँ चतुर्भुज के अंदर पंचभुज है, ठीक है, मतलब एक बॉक्स के अंदर उससे ज़्यादा भुजा, एक ज़्यादा भुजा वाला बॉक्स डाला गया है। यहाँ यहाँ क्या है, यहाँ है चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज, यहाँ एक कम भुजा है, तो भिन्न कौन सी हो जाएगी? बी। देखिए यहाँ भी त्रिभुज है, उसके अंदर चतुर्भुज है, तो एक ज़्यादा भुजा वाली आकृति है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में कौन सी आकृति श्रृंखला क्रम को जारी करेगी? देखिए प्रश्न आकृति एरो का शेप देखिए, इधर उसके बाद इधर, उसके बाद ओ बाद इधर, फिर इधर, फिर इधर, दो बार कोना पे आ रही है और दो बार भुजाओं पे आ रही है, तो इस बार कोना पे है, तो इस बार इधर रखी आएगी, कहाँ है? ए में है, सी में है, डी में है, बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ये देखिए दो बार भुजाओं पे आ रही है, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, फिर से यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, उसके बाद भुजाओं पे आएगी, यहाँ, उसके बाद भुजा पे कहाँ आएगी? यहाँ पे आएगी, यहाँ पे, तो ऊपर से कहाँ है? डी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है और आपको बताना है कि ईयर के लिए क्या लिखा जाएगा। देखिए ईयर के लिए, देखिए यहाँ क्या है 61, आर के लिए 61 है क्या? 60 61 आर है, बिल्कुल है। 30 30 आर है, बिल्कुल है। 28 28 28 आर है, बिल्कुल है। 29 29 आर नहीं है, तो ये ऑप्शन
आपका एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं ए के लिए, ए के लिए यहाँ क्या है 15, 15 पे देखिए ए है, बिल्कुल है, जहाँ भी 15 है, यहाँ 32, 32 के लिए 32 कहाँ गया, 32 पर ए नहीं है, तो ए ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। अभी ए और बी ऑप्शन में हम देखेंगे ई के लिए, ई के लिए 27, देखिए 27 कहाँ है, 27 ई बिल्कुल है, यहाँ 27 पे ई है, यहाँ 38 पे एन है, देखिए एन है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहीं पे वीडियो हमारी समाप्त होती है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी बिहार SSC की तैयारी अच्छे से कर सके और इस बार जॉब को पक्का कर सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगले दिन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट बिहार SSC के लिए, जो आपको फ़ायदेमंद होगा SSC में, रेलवे में, बैंक में, या जहाँ भी मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में नेहा एवं जोया को आकांक्षा से क्रमशः 20% और 50% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, माने आकांक्षा को 100 अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है, नेहा को कितने होंगे 20% ज़्यादा, नेहा को कितने होंगे 20% ज़्यादा यानी 120, जोया को कितने होंगे, जोया को 50% ज़्यादा, तो जोया को 150 होगा, 50% ज़्यादा पूछ के रहा है, तो नेहा का अंक आकांक्षा के अंक से कितने परसेंट है, नेहा का अंक आकांक्षा के अंक का कितने परसेंट है, तो 120 जो है वो 100 का कितना परसेंट होगा, 100 से 100 कैंसिल, 120%, क्या आंसर आ गया 120%। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, दो शहर हैं पटना और बनारस, एक दूसरे से कितना दूरी है, 260 किलोमीटर, एक कार चालक पटना से बनारस की तरफ सुबह 9 बजे से 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना प्रारंभ करता है, पटना से जाता है बनारस की तरफ सुबह 9 बजे से, कितना चाल है 35 किलोमीटर पर आवर, तथा दूसरा कार चालक बनारस से पटना की तरफ सुबह 10 बजे 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना प्रारंभ करता है, बताएं कि वे एक दूसरे से कब मिलेंगे। देखिए पटना से बनारस जाता है 9 बजे और बनारस से पटना की तरफ सुबह 10 बजे, तो एक घंटा ये अकेला चला होगा, तो एक घंटा का चाल 35 यानी एक घंटा में 35 चला होगा, तो 260 में से 35 घटाइए कितना डिस्टेंस बचा, 225 किलोमीटर अभी भी डिस्टेंस कवर करना बाकी है। अब देखिए ये इधर से भी चल रहा है और ये इधर से भी चल रहा है, क्योंकि 10 बज चुके हैं, इधर से चलना आराम करता है ये, और ये सुबह से 9 बजे से चल रहा है, एक घंटा चला लगातार चल रहा है, दोनों किस चलेंगे, देखिए जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएं तो चाल क्या होता है घट जाता है, जैसे अगर 40 किलोमीटर की चाल से पटना से बनारस जा रहा हो और दूसरा 30 किलोमीटर की चाल से पटना से बनारस जा रहे हो तो दोनों का चाल घट जाएगा, लेकिन अगर एक 40 किलोमीटर की चाल से पटना से बनारस जा रहे हो और दूसरा 30 किलोमीटर की चाल से बनारस से पटना आ रहा हो तो दोनों का चाल क्या होगा जुट जाएगा, तो दोनों का चाल कितना है, दोनों का चाल है 35 40 कितना हो जाएगा 75, कितना चलना है 225 बाकी था, क्योंकि 35 ये 9 बजे से 10 बजे तक चल चुका था, काटिए इसको तीन बार में यानी 3 घंटे और चलेंगे तो ये दोनों मिल जाएंगे। देखिए बताएं कि वे एक दूसरे से कब मिलेंगे, 9 बजे चलना शुरू किया, एक घंटा चला प्लस 10 और फिर 3 घंटा चला, 10 3 13 13 यानी 1 बजे, कहाँ 1 बजे, देखिए दोपहर का 13 बजे ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एक किसान है 15 रुपये प्रति दर्जन की दर से 250 केला खरीदता है, 250 केला खरीदता है 15 रुपये प्रति दर्जन की दर से, यदि वह सभी केला को 1 रुपये केला की दर से बेचता है, देखिए 1 रुपये पर केला बेचेगा तो 250 रुपया में बेचेगा 250 केला,
और 15 रुपये प्रति दर्जन की दर से ख़रीदा, यानी 250 को पहले दर्जन में बनाते हैं तो 12 दूना 24 240 कटेगा, और 10 केला एक्स्ट्रा हुआ तो 240 20 दर्जन का दाम कितना हुआ, 20 दर्जन का दाम हुआ 300 प्लस 10 केले का दाम निकालिए। देखिए एक दर्जन केले का दाम 12 केले का दाम 15 रुपया है तो 10 केले का दाम कितना होगा, ये कटेगा 6 से 5 15 पचे 75 बटा 6 यानी 6 12 छक 72.5 यानी 12.5 रुपये अलग। तो कितना हो गया टोटल 312.5 रुपये इसको लगे होंगे 250 केले ख़रीदने में। बेचा कितना, बेचा 250 में, यानी इसको हानि हो गई, कितने की हानि हुई, 62.50 रुपये के। कितना परसेंट है उसका हानि प्रतिशत बचाइए, हानि प्रतिशत क्या होगा, जो उसने दाम लगाया है इन्वेस्ट किया है उसी पे हानि प्रतिशत होगा। तो 62.5 कितना था, 312.5 का कितना परसेंट है, देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको 25 से काटेंगे तो 25 बार में 25 से इसको काटिए, 25 एकम 25 और 25 0 25 25 125 105 बार में। अब 5 से इसको काटते हैं, 25 21 यानी 500 बटा 21 500 को डिवाइड कीजिए 21 से, 21 दूना 42 8 0 21 84 होता है, तो लगभग कितना परसेंट है, 24%। ये तो हानि ही नहीं हो रही, बासठ पॉइंट फाइव 312.5 का कितना परसेंट होगा, पॉइंट से पॉइंट गया, 5 से काटते हैं, 5 एकम 5 5 दूना 10 50 25 5 30 को काटते हैं, 5 36 5 दूना 10 50 25 ओके 125 से ये कटेगा 5 बार में, 5 से 20% माफ़ कीजिएगा कैलकुलेशन मिस्टेक थी, 78 का ए आंसर। ठीक है, किदार किसी वस्तु को 121 रुपये में बेचकर 10% का लाभ कमाता है, 10% का लाभ यानी 10% का लाभ यानी 1/10 10% का मतलब, और 10 में 11 जुट जाएगा, सॉरी 10 में 1 जुटेगा तो 11 हो जाएगा, यानी 10 की वस्तु को 11 रुपये में बेच रहा है, कितना में बेच रहा है, 121 में, यानी 121 जो है वो 11 के बराबर है, 10 कितना होगा, 11 से कटेगा, इसका स्क्वायर है 110 यानी क्रैमूल कितना है, 110। यदि किदार को 30% लाभ कमाना हो तो उस वस्तु को कितने में बेचेगा, तो 110 का 30% कितना होता है, 1 0 से 1 0 यहाँ 1 0 से 1 0 11 33 110 में 33 जोड़ेंगे 143 आएगा, कितने में बेचेगा, 143 रुपये में, डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक विद्यार्थी है 40% अंक प्राप्त किया और वह 40 अंकों से असफल हो जाता, यानी 40% के अलावा प्लस में 40 अंक और ले आता तो वो पास हो जाता, ये न्यूनतम अंक है पास होने के लिए। दूसरा विद्यार्थी जिसने 400 अंक प्राप्त किए वह उत्तीर्ण अंक से 40 अंक अधिक प्राप्त करता है, देखिए 400 प्राप्त किए 40 अंक अधिक प्राप्त किया यानी 360 इसमें 40 घटाएंगे अधिक प्राप्त किया तो 360 पासिंग मार्क्स है, ठीक है 360 पासिंग मार्क्स है जो इसके बराबर है, ये इसका न्यूनतम अंक था पास होने के लिए प्लस 40 इक्वल टू कितना आया 360। इसको सोल्व कीजिए, इस परसेंटेज का जाएगा एक्स ले लीजिए, 40 उधर जाएगा माइनस होगा 320 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 40 320 बटा 40 8 यानी x का मान कितना आया 8, तो टोटल अंक कितना है, परीक्षा का अधिकतम अंक पूछ रहा है, अगर x 8 है तो टोटल अंक कितना होगा,
गुना 100 कीजिए, 800 कहाँ है, सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्गाकार कमरा का परिमाप पी है तथा उसका क्षेत्रफल ए है, तो निम्न में कौन सा कथन सही होगा। देखिए किसी वर्गाकार कमरा का परिमाप क्या है, पी है। वर्गाकार वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 × भुजा बराबर पी है, ठीक है। तो भुजा बराबर क्या होगा, भुजा बराबर पी बटा 4 स्क्वायर ए, एरिया पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल ए है, तो एरिया जो है उसका क्या होगा, वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, पी स्क्वायर बटा 16। अब पी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 16 ए, पी स्क्वायर इक्वल टू 16 ए आ गया। अब पी बराबर लिखेंगे तो 16 का रूट क्या होता है, 4, और ए का रूट रूट ए, तो पी बराबर 4√a कहाँ है आपका, ऑप्शन ए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नितेश, महेश और रमेश ने मिलकर एक सिंचाई मशीन को 450 रुपये में भाड़े पर लिया है, यदि वे इसको क्रमशः 3 घंटे, 5 व 7 घंटों का प्रयोग करते हैं, तो रमेश और महेश के भाड़े का अंतर क्या होगा। देखिए कितना यूज किया, 3, 5, 7, 7, 5, 12, 3, 15 15 घंटे का कितना दिया, 450। तो पूछ क्या रहा है, रमेश और महेश के भाड़े का अंतर, रमेश और महेश यानी लास्ट के दो कितना है, 5 में 7 गया 2, तो यहाँ 2 कर दीजिए, 15 से 45 30 × 2 = 60 कहाँ है आपका, ए ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई ब्याज साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में मूलधन की दोगुनी हो जाती है, यानी अगर मूलधन 1 है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 2। साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 1 से 2 हो गया, यानी ब्याज कितना मिला, ब्याज हमें 1 रुपये मिले, तो उसी दर से कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। पहले हम इसका दर निकालते हैं, तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, दर कितना आया, 100/3%, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, यानी 1 से 4 हो जाएगी, कितना ब्याज, 3, 3 ब्याज चाहिए तो हमें, चलिए समय निकालते हैं, 3 ब्याज है × 100/1 मूलधन गुना दर, दर कितना था, 100/3, 3 बटे में है तो ऊपर चली जाएगी, 100 से 100 कैंसिल, 3 × 3 9 वर्ष, कहाँ है आपका ऑप्शन, ऑप्शन नहीं है। देखिए इसका आंसर 9 वर्ष आएगा, कहाँ क्या पेन, 9 वर्ष आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करिए, नीचे से सॉल्व करते हैं, 3 × 3 = 9 - 1 पूरा का बट्टा में हो जाएगा 3, यानी 8/3। यहाँ देखिए यहाँ क्या है, 1 - 1/, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 8/3, 3 ऊपर जाएगा यानी 1 - 3/8। देखिए यहाँ पे 3 नीचे है तो 3 ऊपर जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो 1 - 3/8, 8 से गुना कीजिए, 8 - 3 = 5/8। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 8 - 1/5 8 ऊपर जाएगी तो 8 - 8/5, 8 × 40 40 में से 8 जाएगा 32 32/5 यानी 5 × 36 6 × 2/5 सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या x का कितना गुना हो जाएगी। देखिए x में जोड़ना है, x का 5/100 5% यानी x + 5x/100 105x हो जाएगा ऊपर / 100
इसको पॉइंट हो जाएगा, 2 जीरो से अगर ऊपर भागा दीजिएगा तो पॉइंट हो जाएगा 1.05, यानी कितना गुना हो जाएगा संख्या, 1.05 गुना, कहाँ है, डी ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है रूट टू कितने बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसको क्या करना है, इसको करना है 2 का पावर लीजिए 1 माइनस जितने बार में है उससे घटा दीजिए बटा में करके, कितना है 2 के पावर 6 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसको 2 का पावर 6 कितना आता है, 2 का पावर 6 आता है 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 दुना 32 दुना 64। इसको सोल्व कीजिए, 64 माइनस 64 गुना 1 64 माइनस 1 63, यानी 2 का पावर 63/64, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि रूट ए माइनस रूट बी 6 है, रूट ए प्लस रूट बी 4 है, देखिए रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू 6, रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू 4, रूट बी कैंसिल, 2 रूट ए बराबर 6 4 10, 2 से 5 बार में, तो रूट ए बराबर क्या आ गया, रूट ए बराबर 5 आ गया। अब पूछ रहा है देखिए, यहाँ रखेंगे रूट ए बराबर 5 प्लस रूट ए बराबर अगर 5 रखते हैं तो माइनस रूट बी बराबर 6 होता है, माइनस रूट बी बराबर 6, यहाँ माइनस 5 यानी माइनस रूट बी बराबर 1, तो रूट बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1, तो रूट ए भी पूछ रहा है तो 5 × -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट में -5, कहाँ है, सॉरी रूट में नहीं आएगा, रूट तो यहाँ है ही, तो रूट यहाँ क्यों लिखेंगे, -5 87। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नल में से एक नल किसी हौज को कितने घंटे में भर सकता है, 12 घंटे में, मानते हैं उसका ए नाम है, 12 घंटे में भर सकता है, जबकि दोनों नल एक साथ मिलकर उस हौज को 6 घंटे 40 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है, ए बी मान लेते हैं उसको कितना घंटे में भर सकता है, 6 घंटे 40 मिनट, इस 40 मिनट को अगर घंटा बनाएंगे 2/3 तो 6 × 18 = 20/3, देखिए ये 1/12 होता है, सिर्फ 12 है, इसको उल्टा लिखते हैं तो 1/12, तो इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 3/20, यानी ए 1/12 घंटा में भरता है तो ए भी 3/20 में। एलसीएम लीजिए, 12 20 का एलसीएम कितना आता है 60, 12 5 60, 20 30 60, 3 3 9, यानी ए भरता है 5 के रेशियो से और ए भी भरते हैं 9 के, तो बी कैसे भरेगा, बी 4 के रेशियो से भरेगा, पूछ कर आया है, तो दूसरा नल यानी बी अकेले उसे कितने समय भरेगा, टोटल कितना है 60, भरता किस हिसाब से, 4 के हिसाब से, कितने घंटे लेगा 15 घंटे, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, बिल्कुल सही है, प्रत्येक वर्ग जो होता है एक समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, जिसके चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन कोण के बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन तो कोण वर्ग का क्या होता है 90 डिग्री, समचतुर्भुज में कोण बराबर नहीं होते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन यहाँ चारों भुजा बराबर है तो वर्ग एक समचतुर्भुज है, सभी वर्ग समचतुर्भुज होंगे, सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं होंगे लेकिन सभी वर्ग समचतुर्भुज होंगे, प्रत्येक वर्ग एक आयत है, देखिए आयत क्या होती है, ये 90 डिग्री होता है आयत में, वर्ग में क्या होता है, ये भी 90 डिग्री होती है चारों कोण, तो प्रत्येक वर्ग आयत है, हाँ प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, यहाँ अगर लंबाई चौड़ाई सेम ले लें हम तो आयत भी कह सकते हैं उसको, लेकिन आयत अगर 4 और 3 भुजा ले लें तो ये वर्ग हो सकता है क्या, नहीं, तो प्रत्येक वर्ग एक आयत है, ये सही है, अभी तक दोनों कथन सही है। देखिए
प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो समचतुर्भुज में तो चारों भुजाएं बराबर होती है, तो आमने सामने की भुजा बराबर हो गई, तो ये सही है, मतलब उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कट गया है, चलिए पढ़ने की कोशिश करते हैं। 20% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 1000 रुपये को 1331 रुपये होने के लिए कितना समय लगेगा जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है? देखिए ब्याज अगर अर्धवार्षिक हो, मैं इस क्वेश्चन का अलग से पीडीएफ डलवा दूंगा, अलग से क्वेश्चन डलवा दूंगा। देखिए फिलहाल क्वेश्चन समझ में आ जा रहा है क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना ये चाह रहा है कि 20% दर है और अर्धवार्षिक लग रहा है, 1000 रुपये कितने समय में 1331 हो जाएंगे, बस यही पूछ रहा है आपसे। तो 20% को अगर अर्धवार्षिक बनाया जाए तो ये क्या होगा, 10%, तो 10 से 11 13 से 31, मुझे पता है 1331 जो है 11 का क्यूब होता है, यानी ये 1331 हो गया, इधर कितना आएगा 1000, हमें डायरेक्ट आंसर मिल रहा है कि 1000 की राशि 1331 हो जा रही है, कितने सालों में, 1, 2, 3 सालों में, क्या नहीं, ब्याज अर्धवार्षिक है यानी 1.5 साल लग रहे हैं, ये छः महीना यानी 18 महीने, 18 महीने को क्या बोल सकते हैं, 1.5 वर्ष, कहाँ है आपका 1.5 वर्ष, बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 130 डिग्री का संपूरक कोण का पूरक कौन कौन सा है? देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, 130 डिग्री के संपूरक कोण, संपूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री हो जाए तो ये दोनों कोण संपूरक हो जाएगी, इसमें अल्फा हमें पता है 130 डिग्री, ठीक है, बीटा कितना होगा 50 डिग्री, हमें कितना मिला 130 डिग्री का संपूरक 50। अब पूछ रहा है इसका पूरा कोण क्या होगा, पूरा कोण क्या होता है, पूरा कोण जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो उसको पूरा कोण बोलते हैं, ए है 50, बी कितना होगा 40, तभी तो 90 आएगी, तो पूरा कोण क्या होगा 40 डिग्री, कहाँ है ऑप्शन, सी में। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि 25 पलंग का क्रयमूल 15 पलंग के विक्रयमूल के बराबर है, 25 पलंग का क्रयमूल सीपी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 15 पलंग के विक्रयमूल का बराबर है, 15 का एसपी बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, जो जिसके साथ होता है वो उसका अनुपात नहीं होता है, तो अनुपात में अगर लेंगे एसपी को ऊपर रखते हैं हम लोग, मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी नीचे कॉस्ट प्राइस, एसपी कितना होगा 25, क्योंकि उसके साथ में उसका अनुपात नहीं हो सकता, सीपी कितना होगा, सीपी के अपोजिट कौन है 15, काटिए 25 पाँच दिए 15, यानी कितना का लाभ होता है 2 रुपये का, 2 रुपये का लाभ होता है 3 में, यानी परसेंटेज इसको कीजिए 200/3 यानी 66.2/3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेना के बटालियन में 1000 सैनिकों के लिए 40 दिनों का पर्याप्त भोजन सामग्री है, एक सेना का बटालियन है इसमें 1000 सैनिक हैं, इन सैनिकों के लिए कितने दिन का पर्याप्त भोजन है 40, 10 दिन पश्चात कुछ और सैनिक शामिल हो जाते हैं, यानी पहले इसको 40,000 होगा, इतना है हमारे पास कैपेसिटी, 10 दिन बीत जाते हैं, ठीक है 10 दिन अगर बीत गया तो 10,000, 1000 × 10 = 10,000, तो बचा कितना कैपेसिटी 30,000, तो 40,000 में 10,000 यूज कर लिए हम, तो बचा कितना 30,000, 30,000 के बाद क्या होता है कुछ और सैनिक शामिल हो गए, तब भोजन सामग्री केवल 20 दिन और चल सकी, 30,000 कितना चली 20 दिन में, 1500, पहले कितने थे 1000 सैनिक, अब कितने हो गए 1500, यानी कितने सैनिक और बढ़े थे 500, पूछ क्या रहे कितने नए सैनिक बटालियन में शामिल हुए, कितने हुए 500। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड कप की बात, अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप हम हार गए, पर हमारी टीम बहुत अच्छा खेली और हमें उस पर प्राउड फील करना चाहिए। देखिए जडेजा आए हैं,
वर्ल्ड के सबसे अच्छे फील्डर, 15 पारियों में 45 रन के औसत से रन बनाए। अगर 45 रन के औसत से रन बनाए तो 15 पारियों में कितने रन बनाए होंगे, 15 गुना 45, 15 पचे 75, 15 चौके 60, यानी 675 रन बनाए हैं उन्होंने 15 पारियों में। 16वीं पारी में उसने शतक बनाया, ठीक है, 16वीं पारी में उसने कितना बनाया, 100 रन, 5, 7, 6, 7, यानी 775 रन टोटल हो गए उनके 16 पारियों में। तो अब उसका औसत रन क्या होगा, इस 775 को क्या करेंगे, 16 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 16 85, 16 चौके 64, 16 से 7, 7, 5 में डिवाइड करते हैं, 16 चौके 64, 3, 1, 5, 16 गुना 8 कीजिए, 16 गुना 8 कितना आता है, 80, 8, 6, 48, यानी 8, 8, 12, 128, 16 गुना 8, 128, 8, 7, 15, पॉइंट बैठा के जो भी आएगा 16 चौके 64 आएगा। देखिए ए ऑप्शन, बाकी में 48 पॉइंट कहीं है नहीं, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ए। चलिए लॉग रूट टू एक्स प्लस वन इक्वल टू टू, तो एक्स प्लस वन इक्वल टू रूट टू का स्क्वायर, ये भाई साहब स्क्वायर में आ जाएंगे इसका, एक्स प्लस वन बराबर रूट टू का स्क्वायर कितना होगा, टू होगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टू माइनस वन इक्वल टू वन, आंसर सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए फोर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी फोर इक्वल टू 12 है और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 6 है, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है ए फोर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी फोर, ठीक है, इसकी इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है 12, ये हमें दिया हुआ है 6, तो ये कितना होगा, 6, 2, यानी इसका मान कितना है, 2। हमें क्या पूछा है, ए बी का मान, देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 6 है और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 2 है, तो या तो हम ए बी को काट के ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकलेगा, उसको इसमें से घटाएंगे 6 में से, तो हमें ए बी का मान मिल जाएगा, या यहाँ माइनस कर दीजिए, साइन चेंज कीजिए, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, साइन चेंज करने पर ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, कितना बचा, 2AB इक्वल टू 6 में से 2 गया 4, यानी ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी बराबर आ जाएगा 2 आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाह क्या क्वेश्चन है, अपने स्लोप बना रहा है स्लोप। एक किसी कार्य को x दिनों में कर सकते हैं, ऐसा कार्य करने से अच्छा है मत करो पीसा की झुकी हुई मीनार, ठीक है, ए किसी कार्य को x दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 3x दिन में कर सकता है, दोनों एक साथ कार्य पूरा करने में 12 दिन का समय लगता है, दोनों को एक साथ कार्य पूरा करने में कितने दिन का समय लगा, 12 दिन, यानी x प्लस 3x, ऐसे नहीं, ऐसे 1/x प्लस 1/3x इक्वल टू 1/12, तो सोल्व कीजिए, आएगा यहाँ पे 3x एलसीएम, एक्स से 3 प्लस 3x से 1, यानी 4/3x इक्वल टू 1/12, 3 से 4 बार में, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 16, तो x का मान पूछ रहा है, देखिए x का मान पूछ रहा है, x का मान कितना है, 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, 2160
2160 रुपये को ए बी सी के बीच क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो ए और बी के हिस्सों में अंतर क्या है? ए और बी के हिस्सों में एक का अंतर है, और डिवाइड किया है कैसे, 2, 3, 5, यानी 5, 5, 10। 2160 जो है वो 10 है, तो पूछ कितना है, एक कितना है, 216 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राम किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। श्याम जो कि राम से 20% अधिक दक्ष है, ये राम है, ये श्याम है, ये 5 है, ये 6 है, क्योंकि 20% अधिक दक्ष है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 अधिक है, तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो 5 से 6 हो जाएगा। तो उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, कौन, श्याम, क्योंकि राम का तो हमें पता ही है 24 दिनों में कर सकता है, तो श्याम का ही पूछा होगा। तो 5 के रेशियो से, 5 के एफिशिएंसी से वो 24 दिन में कितना काम करेगा, जितना भी काम करे, बट्टा में 6 से डिवाइड करेंगे हम श्याम का काम निकालने के लिए, 6 चौके 24, 4 5 20, ऐसे ही टोटल 120 काम करता। आप लोग ये मत समझ लेना मुझे गुना करना नहीं आता, आता है। तो 6 से 24 कटेंगे 4 बार में, तो 4 × 5 = 20 दिन, टोटल कितना लेगा श्याम, 20 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए समीकरण के लिए स्थान पर क्या आना चाहिए, 56+24√5 − 69+28√5। देखिए ये क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें देखेंगे a² + b² + 2ab, इस पर सोल्व करेंगे। अब 2ab बनाने के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ 2 होना चाहिए 24 की जगह, तो बचेगा कितना, 12। 2 अगर कॉमन लेंगे तो 12 बचेगा, 12 × 24, 12 को अंदर भेजिए कितना आ जाएगा, 144, 144 × 5। करेंगे तो हमें तो एक तो पता है कि ये 12 का स्क्वायर है, 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, 12 × 5 = 144। चलिए इसको ना वाइट पेपर पर सोल्व करते हैं, क्योंकि लंबा सॉल्यूशन जाएगा, थोड़ा आप देखना चाहेंगे वाइट पेपर पे। चलिए चलते हैं वाइट पेपर पे। हाँ क्या था क्वेश्चन, था हमारा 56+24√5 अंडर रूट माइनस में 69+28√5, ये भी अंडर रूट था। इसको क्या बोला मैंने, 2 यहाँ पे लाना होगा, 2 लाने के लिए 12 अलग निकालना होगा, 12 को अंदर भेजेंगे 144, 144 × 5 कीजिए, 144 × 5 अंदर आता है। अब देखिए ये क्या है, ए बी है, यहाँ क्या है, a² b² है, तो हमें ऐसा कुछ सोचना होगा जो जोड़ने पर a² + b² को जोड़ने पर 56 आता हो, और गुना करने पर कितना आता हो, 144 × 5। इसको तोड़िए, 72 × 2 × 5, 72 × 2 × 5 होता है, इसको तोड़ेंगे, देखिए 72 का स्क्वायर कुछ नहीं होता है, तो 72 को अगर रूट में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 36√2, मतलब 36 × 2 करते हैं, ठीक है, इसको 36 × 2 कीजिए, गुना 2 × 5, 36 का रूट क्या होता है, 6 होता है, 2 × 2 = 4 × 5 = 20, 20 का रूट क्या होता है, 2 √5 होता है, इसको स्क्वायर करने पर 56 आता है क्या, 6 × 6 = 36 होता है, ठीक है, और 2 × 2 = 4 × 5 = 20, 56 आ रहा है, यानी हमारा नंबर क्या है, हमारा नंबर है यहाँ पे 6+2√5 का स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, यह आपको खुद से सोल्व करके देखना पड़ेगा, ऐड करके कितना आता है, देखिए 36+2 + 5 × 10 × 20 + 20 + 36 कितना होते हैं, 56, तो हमारा 2 संख्या हमें मिल गया, 6+2√5
का होल स्क्वायर है ये, 6 + √5 का होल स्क्वायर। माइनस में क्या था, माइनस में था 69 + 28 √5। ठीक है, इसको तोड़िए, 2 यहाँ पे रखना है, हमें कितना निकालना पड़ेगा, 14, 14 को अंदर भेजेंगे तो बचेगा, ठीक है, 14 स्क्वायर है ना, यहाँ पे 14 है, अंडर रूट भेजेंगे तो इसको 196 बनेगा, 14 का स्क्वायर 196 गुना 5 कीजिए, 6 × 5 = 30 की 0 हाथ में 3, 19 × 5 = 95, 3 = 98, यानी क्या आता है, 2 √980। ठीक है, इसको 5 को रहने दीजिए। अब 196 को तोड़ते हैं हम लोग, 196 को कैसे तोड़ सकते हैं, 196 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो आएगा आपका 8 × 9 = 18 और 8 × 16 = 98 × 2 × 5। अब इसको तोड़िए, 98 को 49 टूटेगा, बिल्कुल 2 × 2 × 5, 49 का √7 आता है, इसका रूट फिर वही 2 √5 आएगा, स्क्वायर करके देखिए आता है क्या, 7 × 7 = 49 और इसका 20 कितना आता है, 69, यानी हमें फिर से 2 नंबर मिल गए, 1 है 7, 1 है 2 √5, यहाँ पे ये 7 − 2 √5 का होल स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे माइनस था तो माइनस होगा, तभी तो 2ab माइनस में होगा, तो यहाँ पे क्या है, 7 − 2 √5 तो 6, देखिए 6 √, यहाँ देखिएगा यहाँ क्या आएगा, 7 − 2 √5, इसका अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, आपका बचेगा 6 + 2 √5 -7 −2 √5। सोल्व कीजिए, 6 + 2 √5 माइनस में 7 माइनस माइनस प्लस 2 √5, 6 में 7 गया माइनस में 1, एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था लास्ट, सॉरी यहाँ पे देखिए प्लस था, मुझे लगा माइनस था, तो यहाँ पे हमारा कितना आया था, 6 + 2 √5 माइनस में लिखेंगे 7 + 2 √5, सॉल्व कीजिए, 6 + 2 √5 माइनस में 7 और ये प्लस माइनस, माइनस में 2 √5 कैंसिल होंगे, 6 में से 1 = 7 जाएगा −1, आपका आंसर क्या हो जाएगा, −1, कहाँ है, सी में। चलिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरा सोल्यूशन आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो बना के आइएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन देता हूँ मैं, वो आप सोल्व कीजिएगा खुद से। तो क्वेश्चन है, 2, 5, 10, 17, 26, तो नेक्स्ट नंबर आपको बताना है, यहाँ पे आपको आंसर बताना है, कमेंट में लिखिएगा, मैं चेक करूँगा, ऐसे मैं कल आंसर बता दूँगा इसको, 2, 5, 10, 17, 26, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, ये आपको सॉल्व करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, छठ महापर्व आपका अच्छा गुजरा होगा। तो बैक टू स्टडी, चलिए शुरू करते हैं हम अपना मैथ का प्रैक्टिस सेट, जो बिहार SSC के लिए है, लेकिन ये आपको काम है कि SSC बैंक या जहाँ भी मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, किसी सम बहुभुज में, सम बहुभुज क्या होता है, एक बहुभुज जिसकी कई सारी भुजाएं हों और सब बराबर भुजा हो, ठीक है, तो किसी सम बहुभुज में जिसके आंतरिक कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग 7/2 है। देखिए आंतरिक कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग कितना होता है, आंतरिक कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग होता है आपका
आंतरिक कोणों और बाह्य कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ कितना दिया है, 7 × 2 = 9, 9x = 180, 9 से कटेगा 20 बार में, x = 20 आ जाएगा, यानी बाह्य कोणों का बाह्य कोण है 40 डिग्री। अब देखिए पूछ क्या रहा है, तो सम बहुभुज की कुल कितनी भुजाएं हैं। देखिए अगर पूछे भुजाओं की संख्या सम बहुभुज की, तो 360 डिग्री में बाय कोण से एक बाय कोण से डिवाइड कर दीजिए, 40 से कितना बार में कटेगा, 9 बार में, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 9 भुजाएं, यानी उस सम बहुभुज के 9 भुजाएं होंगी, तब बाय कोण क्या होगा 40 डिग्री। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक दुकानदार प्रत्येक सामान के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और 24% लाभ कमाने के लिए प्रत्येक सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होना चाहिए। देखिए एक दुकानदार है प्रत्येक सामान के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, ठीक है, मार्क्ड प्राइस जो होता है, जैसे आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हो तो आप देखते हो उसका मार्क्ड प्राइस क्या है, वहाँ पे लिखा हुआ होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उसी प्राइस पे मिले, हो सकता है उससे कम भी मिलता है। देखिए दुकानदार प्रत्येक सामान के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, लाभ कितना कमाना है उसको 24%, यानी अगर मूल्य 100 रुपया है, मान लीजिए CP 100 रुपया है, तो उसको कमाना कितना है, 124 में बेचना है, यानी 124 हो गया, 124 में बेच रहा है। अब देखिए 124 जो है वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद है, 20% की छूट मतलब 20% = होता है 1/5, और छूट मतलब 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, यानी ये अगर 4 है तो मार्क्ड प्राइस कितना है, मार्क्ड प्राइस 5 होगा, 4 से काटिए, 4 × 12 31 × 5 आपका हो जाएगा 155। 100 से कितना परसेंट ज़्यादा है, देखिए 155 100 से कितना परसेंट ज़्यादा है, यहाँ 55 ज़्यादा है, और 100 से अगर 55 ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है 55% ज़्यादा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 3 क्रमागत बट्टों 20% 15% तथा 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। देखिए 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, इसको 5 से 4 लिखते हैं, ठीक है। 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब होता है 3/20, ठीक है, इसको 20 में से 3 घटाएंगे तो 20 से 17 हो जाएगा, ठीक है। अब 10% है, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, 1/10 तो 10 से 9 हो जाएगा, इसको काटिए, 4 × 5 = 20 कटेगा, ठीक है, 25 × 250 और 19 × 7 करने से आपका आएगा 153 आएगा, माफ़ कीजिएगा 153। तो कितना छूट दिया गया है, देखिए 250 में 153 कितना छूट दिया है, 250 था अब कितना हो गया 153, तो छूट कितना कर दिया गया है, छूट दिया गया है 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, ठीक है, और 24 में से 5 15 जाएगा 9 बचेगा, तो 97 रुपये की छूट दी गई 250 पे, 97 रुपये की छूट दी गई है 250 पे, कितना परसेंट हो जाएगा, 25 से 10 बार में 25 × 100 28 × 8 हाथ में 2 और 9 × 36 2 38, कितना की छूट दी गई है, 38.8%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 38.8%। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखिए 3 × 81 + 3 × 82 + 3 × 83 + 3 × 84 + 3 × 85 निम्नलिखित में किस अभाज्य संख्या से विभक्त होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे छोटा वाला छोटे वाले को कॉमन ले लिए, कितना कॉमन है, 3 × 81 लीजिए इसको 81, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 + 3 × 82 में 3 × 81 कॉमन लिए हैं तो क्या बचेगा, 3 × 3 बचेगा, 1 बचेगा, तो 3 × 1 3 होता है, यहाँ देखिए यहाँ 3 × 0 बचता क्योंकि 3 × 81 कॉमन ले लिए, तो 3 × 0 कितना होगा, 1 + यहाँ 1 3 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर बचेगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, प्लस यहाँ 3³ बचेगा, 81 चला जाएगा, बचेगा 3 × 3 क्या होगा, 27, प्लस
यहाँ क्या बचेगा, 3 का पावर 4 बचेगा, 3 का पावर 4 कितना होता है 81। ऐड कीजिए सबको, 3 1 4 9 4 13 13 27 13 27 कितना होता है 40, 40 81 121। तो आया कितना, 3 का पावर 81 × 121। अब देखिए 121 किससे डिविजिबल है, 7 से है बिल्कुल नहीं है, 17 से है बिल्कुल नहीं है, 19 से है बिल्कुल नहीं है, 11 से है। हाँ देखिए ये 11 का स्क्वायर है तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका 11। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 5 से विभाज लगातार 5 संख्याओं का योगफल 165 है, ठीक है। उनमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। देखिए 5 से विभाज्य है, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एक x, ठीक है। 5 से विभाज्य है तो x प्लस 5 होगा लास्ट नंबर, अगला नंबर, उसके बाद प्लस करते जाओ, एक्स प्लस 10 होगा, 5 5 का गैप होगा सब में, एक्स प्लस 15, एक्स प्लस 20, आगे 5 नंबर 1 2 3 4 5, टोटल ऐड कीजिए 5x प्लस 20 10 30 15 5 20 यानी 50। टोटल कितना आया, 5x प्लस 50 का योगफल कितना है 165 इक्वल टू 165। सॉल्व कीजिए 5x 50 उधर जाके माइनस होगा, 165 में से 50 115 होता है, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5 × 10 × 5 × 3 × 15, x बराबर 23। पूछ क्या रहा है, x बराबर 23 आया, पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। सबसे बड़ी संख्या थी x प्लस 20, इसमें 20 ऐड कीजिए 43, और सबसे छोटी संख्या कितनी थी 23, सबसे छोटी संख्या x थी 23 आ गई, इसको घटाइए 20 कहाँ है आपका ए में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यदि एक्स प्लस ए 1/x बराबर ए है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा। देखिए ये फॉर्मूला है, इसका होल स्क्वायर कीजिए, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2ab होता है तो 2 × x × 1/x इक्वल टू, इधर भी ए स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा तो ओ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 2 ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे प्लस 2 था तो इधर माइनस 2 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 कहाँ है आपका ए में, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामू के पास 200 खिलौने हैं, ठीक है, रामू के पास 200 खिलौने हैं, उसे दिवाकर को 10%, ममता को 20% और एक तिहाई खिलौना करण को दे दिया। वितरण के बाद रामू के पास कितना खिलौना बच गया। देखिए 200 का 10% वो ममता को, तो 200 का 10% कितना होगा 20 प्लस 200 का 20%, 200 का 20% कितना होगा 40 प्लस एक दहाई, 200 का 1/2 कितना होगा 20, फिर से खिलौना दे दिया है तो 20 40 60 20 80 खिलौने उसने दे दिए। अब 200 में से 80 जाएगा, 200 में से 80 खिलौने उसने बांट दिए तो उसके पास कितने बचे 120, क्या है आपका डी ऑप्शन, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6.5 × 4.7 प्लस 6.5 प्लस 5.3 बटा 1.3 × 7.9 माइनस 1.3 × 6.9 का सरलतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि ऊपर 6.5 दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 4.7 प्लस 5.3, ठीक है, बट्टा में इसमें 1.3 दोनों में कॉमन है
1.3, 7.9 बचेगा, माइनस में बचेगा 6.9, इक्वल टू 6.5 गुना, देखिए कितना ऐड कीजिए, 5, 4, 9, 7, 3, 10, यानी ये 10 आ जा रहा है। तो 6.5 गुना 10 65 बटा 1.9 है, सॉरी 7.9 है, 7.9 और 6.9 है, तो इन दोनों को घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी 1.3 यहाँ रह जाएगा। इसको काटिएगा, 13, 5, 65 यहाँ पॉइंट था, तो 10 ऊपर चली जाएगी, 50 हो जाएगा आंसर, कितना हो गया आपका 50। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव ने हिंदी में 59 अंक, गणित में 72, विज्ञान में 50, अंग्रेजी में 73, समाजशास्त्र यानी 60, 71, सोशोलॉजी में 71 अंक प्राप्त किए। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक कितना है, 100 है। कितने विषय हैं, देखिए हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, 5 विषय है, यानी टोटल कितना हो गया 500 नंबर का एग्जाम था उसका। प्राप्त कितने की, 59, 72, 50, 73 और 71। ऐड कीजिए सबको, 9, 2, 11, 11, 3, 14, 14, 1, 15 का 5 हाथ में, 1, 7, 5, 12, 12, 5, 17, 17, 7, 24, 24, 7, 31, 31, 32, 325, यानी 500 में 325 अंक प्राप्त किए हैं। कितना परसेंट होगा, इंटू 100, 20 से 20, 5 से 5, 36 बचा 25, यानी टोटल 65% अंक केशव को मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 8 पेन और 4 पेंसिल की कीमत 180 रुपये है, ठीक है, और एक पेन की एक चौथाई कीमत एक पेंसिल की कीमत के समान है। एक पेन की एक चौथाई कीमत एक पेंसिल की कीमत के समान है, तो पेन की जो कीमत होगी इक्वल टू 4 पेंसिल उसी में आ जाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको याद रखिएगा, पेन इक्वल टू 4 पेंसिल। देखिए 8 पेन प्लस 4 पेंसिल इक्वल टू 180। इस 4 पेंसिल की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 पेंसिल जो था वो एक पेंसिल जो एक पेन जो था वो 4 पेंसिल के बराबर था, यहाँ लिख सकते हैं एक पेन, क्योंकि एक पेन का दाम 4 पेंसिल के बराबर था, तो 8 × 1 9 पेंसिल हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 9 पेन हो जाएगा, 9 पेन इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। पेन का कीमत क्या हो जाएगा, पेन का कीमत हमें निकल गया 20, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, 10 पेन और 15 पेंसिल की कुल कीमत क्या होगी। अगर एक पेन की कीमत 20 है और एक पेन में 4 पेंसिल आ जाती है, तो पेंसिल की कीमत क्या होगी, 4 से डिवाइड कीजिए 5, यानी पेंसिल की कीमत कितना आई 5, पेन की कीमत 20, 10 पेन का कीमत क्या होगा 200 प्लस 15 पेंसिल की कीमत, 15 × 5, 75, टोटल कितना आया 275 का है आपका ऑप्शन सी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 3000 के मूलधन पर 5 वर्ष में एक व्यक्ति को 1950 का साधारण ब्याज किस दर से मिलेगा। तो दर बराबर फार्मूला क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज, ब्याज इंटू 100 बटा में मूलधन इंटू समय। ऐड कीजिए वैल्यू, ब्याज है कितना 1950 इंटू 100 बटा में मूलधन कितना है 3000 इंटू समय, समय कितना है 5 वर्ष, ये 2 जीरो से 1, 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो कैंसिल, 5 से 5 थी 15, 5 थी 15, 9 45, 39 बार में, अब 3 से 13 बार में। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, 86 बोलता है 3000 के मूलधन पर 5 वर्ष में एक व्यक्ति को 1950 रुपये का साधारण ब्याज मिला। देखिए तो दर पूछ रहा है, दर बराबर फार्मूला क्या होता है, दर बराबर फार्मूला होता है एसआई, एसआई मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई में मूलधन, मूलधन को प्रिंसिपल लिखा जाता है इंटू टाइम,
अब टाइम तो पता ही होगा आपको क्या होता है, एसआई 1950 इंटू क्या है 100 इंटू, देखिए प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है 3000। ये स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं, मूलधन वाले प्रिंसिपल हैं। और टाइम, टाइम कितना है 5 साल। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, ये 0 से ये 0 गया, 5 से काटिए, 5 से 5 किए 15, 15 और 45, 5 से कटा 3 बचा, 3 से 13 बार में, तो आंसर क्या हो जाएगा 13%। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है 4 लड़का एक काम को 15 दिन में कर सकता है, तो 15 लड़का उसी काम को कितना दिन में करेगा, 4 दिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आयत की परिमाप क्या होगी, यदि आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है जो उसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो 15 - 6 = 9, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई 9। परिमाप क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, 15 + 9 24, 24 × 48। होते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 1 से, यदि अंतिम 2 संख्या निकाल दिया जाए तो औसत में क्या परिवर्तन आएगा। देखिए 7 क्रमागत संख्याओं का औसत अगर 1 से, तो अंतिम 2 संख्या निकाल दिया जाए तो औसत में क्या परिवर्तन आएगा। औसत परिवर्तन जो है वो हो जाता है, 1 घट जाता है, क्या हो जाता है, 1 घट जाता है। आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, 7 क्रमागत संख्या है, इसका औसत कितना होगा, 7 × 6 = 13 13 × 5 = 18 18 × 4 = 22 25 25 × 26 = 26 × 27 = 28 28, 7 अंक है, 4 हो गया औसत, मतलब x बराबर 4 अगर मान लें तो। अब 2 संख्या घटा दीजिए, 13 हटा दीजिए, तो 28 में से 13 जाएगा, तो बचेगा आपका कितना, बचेगा 15 बचेगा, ठीक है 15 बचेगा, कितना संख्या है 5 3। देखिए औसत में कितना का कमी आया, 1 का, आंसर क्या है आपका सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एक हॉर्स है जो 3 समान दूरियों को पी क्यू और आर से तय करता है, तो औसत चाल पूछा है। औसत चाल है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी कितना है, कुल दूरी 1 तय करता है, 1 1 यानी 3 है, कैसे तय करता है, पी से दूरी बटा चाल होगा तो समय निकलेगा, प्लस 1/q प्लस 1/r, इसका एलसीएम लीजिए पी क्यू आर, यहाँ क्या हो जाएगा क्यू आर प्लस आर पी प्लस पी क्यू, पी क्यू आर ऊपर जाके क्या हो जाएगा 3 PQR, कहाँ है आपका ऑप्शन 3 PQR / PQ / QR + 3 PQR / QR + RP + PQ, आपका ऑप्शन है सी। देखिए ऑप्शन सी में ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 संख्याएं ए और बी तीसरी संख्या से सी से क्रमशः 25% और 30% कम है। 2 संख्या है ए और बी, तीसरी संख्या सी से 25%, सी मान लेते हैं हम 100, बी कितना कम है, बी कम है 30%, यानी सी में 100 में 30% कम कीजिएगा 70 आ जाएगा। ए कितना कम है, ए कम है 25%, तो ए में 100 में 25% कम कीजिएगा तो 75 आ जाएगा। पूछ क्या रहा है, संख्या बी संख्या ए से कितना परसेंट कम है, संख्या बी कितना कम है 5 कम है, कितना में 75 में, 75/5 × 100, परसेंटेज निकालना है हमको, तो इंटू 100, 5 से 75 कितना बार में कटेगा 15 बार में, तो 100/15, 100/15 आपका आता है 6.2/3%। देखिए 6 × 18 = 20/3 आता है, यहाँ भी काटिएगा तो आपका आ जाएगा 3 20। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है P+Q और P-Q 7:3 है, तो PQ - Q का मान कितना होगा। देखिए इसको ऐड कीजिएगा तो ये दोनों कटेगा, 2P बचेगा, 2P
इक्वल टू 7 × 3 = 10, पी बराबर 5 आया। अब अगर पी 5 है तो क्यू 2 आएगा, तो पी का क्यू कीजिए, 5 का क्यू 125 माइनस क्यू का क्यू 2 का क्यू 8 घटाइए, कितना बचेगा 117। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि रमेश के वेतन का 30% श्याम के वेतन के साथ जोड़ा जाता है तो श्याम अपने पूर्व वेतन का 150% हो जाता है। देखिए रमेश के वेतन का 30%, मान लीजिए रमेश का वेतन 100 है, उसका 30% 30 रुपया किस में जोड़ा जाता है, श्याम में, तो पूर्व वेतन का कितना परसेंट हो जाता है, 150%। उसका जो भी वेतन होगा पहले से तो अपने आप का 100% होगा, कितना बढ़ा 50%, मतलब 30 जो बढ़ाया उस 50% के बराबर है। तो वेतन कौन सा था, शुरू का वेतन कितना होगा 50 × 100 यानी 60 रुपये इसका वेतन होगा। अब कितना हो गया, 30 और ऐड हुआ तो 90 रुपये हो गया। ऑप्शन क्या बोल रहा है, रमेश का वेतन ग्रेटर देन श्याम का वेतन, रमेश का वेतन कितना था 100, श्याम का वेतन 60 रुपया, 60 रुपये, तो ये तो सही है। दूसरा है श्याम का वेतन और ग्रेटर देन रमेश का वेतन, गलत है, दोनों सत्य हैं, गलत है, आंकड़े अधूरे, ये भी गलत है, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 के दो भाग इस प्रकार किए जाते हैं कि पहले भाग का 7 गुना तथा दूसरे भाग का 5 गुना मिलकर 146 हो जाता है। मान लीजिए पहला भाग एक्स है, एक्स का 7 गुना 7x तथा दूसरे भाग का 5 गुना, अगर एक भाग एक्स है तो दूसरा भाग क्या होगा 24 − x, इसका 5 गुना मिलकर कितना हो जाता है, मिलकर हो जाता है 146। सॉल्व कीजिए, 7x प्लस 24 × 5 120 माइनस 5x इक्वल टू 146, 7 में से 5 जाएगा 2x, 120 इधर प्लस में है उधर जाके माइनस होगा, तो इधर के अंदर बचेगा 146 माइनस 120 कीजिएगा, बचेगा आपका 26। x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा आपका 13। तो पहला भाग पूछ रहा है, पहला भाग x मान लेते हम लोग, पहला भाग हो जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, इसका लसा 80 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। अगर संख्या ही 4:5 होती तो इसका एलसीएम कितना होता, 20, लेकिन एलसीएम कितना बताया 80, यानी 20 जो है वो 80 है, तो संख्याओं का योग पूछा है, 4:5 = 9, 20 × 80 9 × 4 = 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 वर्ष पहले 3 व्यक्तियों के एक परिवार की औसत आयु 20 वर्ष थी, कितने औसत आयु थी 20 वर्ष 3 व्यक्तियों के, यानी 60, 5 वर्ष पहले की बात है, तो अब 5 वर्ष बाद क्या होगा, अब देखिए तीनों व्यक्तियों को 5-5 एज बढ़ा होगा, +5 + +5 + +5 तो 15 बढ़ा होगा 75। अब देखिए एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु वही रहती है जो 5 साल पूर्व थी, 5 साल पूर्व कितनी औसत थी 60, अभी भी वही रहती है लेकिन अब एक बच्चा भी है, यानी 4 लोग हो गए, तो सॉरी औसत आयु 20 थी ना, तो 80 हो गई, 4 लोग हो गए, तो टोटल एज कितना है 3 व्यक्तियों का 75, तो 80 में से 75 जाएगा तो 5 बचेगा, ये 5 क्या हो गया, ये हो गया बच्चे का एज, बच्चे की आयु क्या है 5 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मजदूरों का औसत 30 है, 15 × 3 = 45 प्लस प्रथम 8 मजदूरों के मजदूरी का औसत 35 है, प्रथम 8 35 × 8 35 × 70 728 280, और अंतिम 8 मजदूरों के मजदूरी का औसत 25 है, 25 × 8 कीजिए, 25 × 8 200, तो 8वां मजदूर का मजदूरी क्या है, देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, कितने हो गए 16, कितने मजदूर हैं 15, यानी एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो 280 + 200 = 480, ठीक है 280 + 200 = 480 होता है, टोटल है हमारे पास 450, अभी कितना आया, एक मजदूर की एक्स्ट्रा बढ़ा 480, यानी कितना बढ़ा 30,
480 - 450 30। तो आठवां मजदूर का मजदूरी क्या है? आठवां मजदूर का मजदूरी यही हो जाएगा 97 का ए ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि लॉग ए रूट थ्री है, लॉग ए रूट थ्री इक्वल टू 1/6, तो ए का मान बताइए। देखिए ए का पावर 1/6 करते हैं इक्वल टू रूट थ्री, ए बराबर क्या होगा? रूट थ्री का पावर 6 हो जाएगा। अब लिखिए रूट थ्री कितने बार? 6 बार। एक पूरा लिख लीजिए इंटू रूट थ्री 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 14 है, तो 3, तो 3 × 3 × 3 3 × 3 9 = 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रकार के पेंट, दो प्रकार के पेंट हैं जिसकी कीमत क्रमशः 20 रुपये प्रति लीटर और 15 रुपये प्रति लीटर है। इन दोनों पेंटों को 3:5 में मिश्रित करने के उपरांत नए मिश्रित पेंट की कीमत क्या होगी? पहला पेंट की कीमत है 20, कितने लीटर मिलाएगा? 20, यानी टोटल 60 रुपये प्लस। दूसरे पेंट की कीमत है 15 रुपये, कितना लीटर मिलाएगा? 5 लीटर, यानी 15 × 75। 60 × 75 कितना होता है? 700 × 13 = 135। टोटल कितना लीटर हुआ? 8 लीटर। लाभ कोई लिया नहीं गया है, तो 8 × 8 = 48 बचा 7, तो 88 = 64 16.8। देखिए डी ऑप्शन। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त उनके महत्तम समावर्त से 14 गुना अधिक है। यदि लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक का योग 1425 है, तो उनमें से एक संख्या 350 है तो दूसरी संख्या क्या आती है? देखिए लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक से 14 गुना अधिक है, यानी अगर HCF x मानते हैं तो LCM कितना हो जाएगा? 14x। दोनों का योग कितना बोला है? 1425, यानी 15x = 1425। x बराबर क्या होगा? 15 × 9 = 135 बचा 7, 15 × 75 = 75, यानी x बराबर आ गया 95। अगर x 95 है, HCF 95 है, तो LCM कितना हो जाएगा? 95 × 14। अब एक संख्या कितना बोला है? 350, तो डिवाइड कीजिए दूसरी संख्या मिल जाएगी। देखिए 95 से 350 डिविजिबल है क्या? नहीं है, तो 7 से करते हैं, 7 × 14 7 × 50 = 5 × 10 × 5 × 19 × 5 × 2 × 5 × 19 × 2 2 से 2 कैंसिल, 19 × 19 कितना हो जाएगा? 361। 19 × 361 तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 361। चलिए वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा दिया हुआ सलूशन कैसा लगा, और पढ़ाई अब कंटिन्यू रखिएगा। PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।